हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे बजट 2024-25 का, राइट? अभी बजट को समझने से पहले सबसे पहले बजट क्या है, बजट क्या है वो समझते हैं, बराबर ना? ओके, कि बजट ये जो वर्ड है ना फ्रेंड्स, वो कौन से वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है? तो एक फ्रेंच वर्ड है बुगेट, उसके ऊपर से बजट वर्ड को ओरिजिनेट किया गया है, राइट ना? तो एक फ्रेंच वर्ड बुगेट के ऊपर से ये बजट शब्द को हमने लिया है। सिंपल, ये बुगेट का मतलब क्या होता है? तो लेदर का ब्रीफकेस होता है। बुगेट का मतलब क्या होता है? लेदर ब्रीफकेस। इसकी वजह से अगर आपको पता हो फ्रेंड्स, बहुत सालों तक, और मैं बोलूँ तो अंग्रेजों के ज़माने से, बजट को हमेशा, बजट के डॉक्यूमेंट्स को हमेशा लेदर बैग में प्रेजेंट किया जाता था, लेदर बैग में प्रेजेंट किया जाता था। बिकॉज ये जो बजट वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था फ्रेंड्स? बुगेट वर्ड से। और ये बुगेट वर्ड का मतलब होता है लेदर का ब्रीफकेस। इसकी वजह से बहुत सालों तक ये बजट के डॉक्यूमेंट्स लेदर के ब्रीफकेस में प्रेजेंट होते थे, राइट ना? ओके, ये जो शुरुआत किया था, ये जो ट्रेंड का कि बजट के डॉक्यूमेंट्स को लेदर के ब्रीफकेस में लाना, ये ट्रेंड शुरू किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और ये जो ट्रेंड है वो हमने फॉलो किया, 2019 तक। 2019 तक हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो सबसे पहला बजट है ना फ्रेंड्स, वो हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर आर के शनमुखम शेट्टी के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फर्स्ट बजट था वो हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर आर के शनमुखम शेट्टी है, उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया था। और तब से लेके 2019 तक हमारा जो बजट है फ्रेंड्स, वो लेदर के ब्रीफकेस में हम प्रेजेंट करते थे, राइट? तो ये जो हमको आइडिया दिया था बजट को लेदर के ब्रीफकेस में प्रेजेंट करने का, वो अंग्रेजों के द्वारा ही हमको हैंडओवर किया गया था, राइट ना? ओके, लेकिन ये जो हमारा कॉलोनियल प्रैक्टिस था कि बजट को 2000 मतलब लेदर के ब्रीफकेस में प्रेजेंट करना, वो कॉलोनियल प्रैक्टिस को तोड़ा किसने? 2019 के अंदर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी के द्वारा, बराबर ना? 2019 के अंदर निर्मला सीतारामन ने ये लीगेसी को ब्रेक किया और उन्होंने बजट को ब्रीफकेस की जगह पे एक बही खाता में, एक लाल कलर के टुकड़े में लपेट के उन्होंने बजट के डॉक्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट किया था, जिसको हम बोलते हैं बही खाता, राइट ना? तो 2019 से फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे जो निर्मला सीतारामन थे उस समय, और अभी भी वही है, राइट? तो उन्होंने ये जो हमारा जो कॉलोनियल लीगेसी है उसको ब्रेक किया और बजट को बही खाता में रिप्रेजेंट किया। और 2021 में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ही हमारा पहला पेपरलेस बजट को अनाउंस किया गया 2021 के अंदर, बराबर ना? ओके, तो ये सब फैक्चुअल चीज आपको याद रखनी है, राइट? ओके, बजट तो सरकार ने अभी रिसेंट लॉन्च किया है, बराबर? अपडेटेड बजट हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले बजट की हिस्ट्री को पढ़ना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके, तो आई थिंक आपको इसमें समझ में आया होगा कि हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला बजट 1957 के अंदर हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर आर के शनमुखम शेट्टी के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद तब से लेके 2019 तक हम हर साल जो बजट है वो लेदर के ब्रीफकेस में ही प्रेजेंट करते थे। 2019 के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा ये कॉलोनियल लीगेसी को ब्रेक किया गया और बजट को बही खाता में प्रेजेंट किया गया। और 2021 के अंदर, 2021 के अंदर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पहली बार बजट को फुल्ली पेपरलेस फॉर्मेट में लॉन्च किया गया, बराबर ना? ओके, राइट। अगर मैं कुछ फैक्चुअल चीजों के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, बजट की और हिस्ट्री के बारे में पढ़े हम, तो इंडिया का फर्स्ट एवर बजट, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, इंडिया फर्स्ट एवर बजट 7 अप्रैल 1860 के अंदर, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जेम्स विल्सन के द्वारा लॉन्च किया गया था। जेम्स विल्सन ईस्ट इंडिया कंपनी के एक मेंबर थे और उन्होंने ये पहली बार इंडिया का पहला बजट ब्रिटिश क्राउन के सामने रखा था। ओके, और नॉर्मली जो बजट है वो फाइनेंस मिनिस्टर रखते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस तीन बार ऐसा समय आया है जहाँ पे बजट को कोई फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री के जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट के अंदर। तो कौन कौन से प्रधानमंत्री जी के द्वारा बजट को पार्लियामेंट में पेश किया गया है? एक तो है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी। ये तीन ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है। बाकी नॉर्मली बजट को कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये तीन ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में बजट को प्रेजेंट किया है, ध्यान में रखना है। ओके, ग्रेट।
अभी और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सबसे ज्यादा बार बजट को कौन से फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया गया है, तो मोरारजी देसाई जी के द्वारा 10 बार बजट को प्रेजेंट किया गया, ध्यान में रखना है। ओके, और अगर मैं निर्मला सीतारमण जी की बात करूँ, तो ये निर्मला सीतारमण जी का ये 7th बजट था फ्रेंड्स। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो निर्मला सीतारमण जी के उनके कैरियर का 7th बजट था। अगर अभी आपको पता ही है कि ये जो सरकार है वो अगर इनको 5 साल और कंटिन्यू रखती है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर बराबर ना, तो ये मोरारजी देसाई जी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ सबसे ज्यादा बार बजट को प्रेजेंट किसने किया है अभी तक, कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर ने, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो मोरारजी देसाई जी, ध्यान में रखना है बराबर ना। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आपको भी पता है कि बजट के डॉक्यूमेंट्स को मात्र फाइनेंस मिनिस्टर प्रिपेयर नहीं करते, बहुत सारी एक पूरी टीम होती है जो बजट के डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करती है, जो फाइनेंस मिनिस्टर को हेल्प करती है बजट बनाने में बराबर ना। ओके, और एक बार जब बजट बन जाए तब उसका एक प्रिंटिंग प्रोसेस होता है, और बजट का जब प्रिंटिंग हो जाए उसके बाद जब तक बजट अनाउंस ना हो, बजट के डॉक्यूमेंट्स का प्रिंटिंग होने के बाद जब तक वो अनाउंस ना हो, तब तक जितने भी लोग उसके साथ कनेक्टेड हैं, जिन्होंने उनको बनाया है, वो बजट को बनाया है, वो सभी लोगों को एक कमरे में, मतलब एक हॉल में बंद किया जाता है, जिसको बोलते हैं लॉक इन टाइम। और ये लॉक इन टाइम के दौरान हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। ये हलवा सेरेमनी के अंदर ये जो हलवा है वो फाइनेंस मिनिस्टर परोसती है जिन लोगों ने बजट को बनाने में मदद की है, जिन्होंने बजट को बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बराबर ना। ओके, तो एक्चुअली ये जो एक समय है वो लॉक इन समय है, ताकि बजट की डॉक्यूमेंट्स की जो बातें हैं वो लीक ना हो जाए, इसके लिए उनको उनके पास से मतलब सभी ऐसे कम्युनिकेशन वाले सभी अस्त्र शस्त्र लिए जाते हैं, मोबाइल फोन वगैरह सब कुछ लिए जाते हैं, और उनको जस्ट एक जगह पे रहना होता है जिसको हम बोलते हैं लॉक इन टाइम। और ये समय के दौरान हलवा सेरेमनी का आयोजन होता है, राइट ना। और ये हलवा सेरेमनी में फाइनेंस मिनिस्टर बाकी सब मेंबर्स को हलवा परोसती है, जिन्होंने बजट को बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फ्रेंड्स बराबर ना। ओके राइट, तो ये हलवा सेरेमनी क्यों होती है वो समझ में आया बराबर ना, कि बजट की जो सीक्रेसी है वो मेंटेन रहे बराबर ना। जब उसका प्रिंटिंग होता है उसके बाद जब तक वो अनाउंस ना हो, तब तक जितने भी लोग इन्वॉल्व है उसको बनाने के अंदर, वो एक जगह पे रखा जाता है ताकि बजट लीक ना हो जाए, सिंपल बराबर ना। ओके ओके, और अगर मैं कुछ और फैक्चुअल चीजों के बारे में बात करूं, तो अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट बजट स्पीच, अगर मैं इन द टर्म्स ऑफ वर्ड्स की अगर बात करूं, लॉन्गेस्ट बजट स्पीच की अगर बात करें इन द टर्म्स ऑफ वर्ड्स, तो मनमोहन सिंह जी जो हमारे जब फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 के अंदर, अगर आपको पता हो फ्रेंड्स, ये वही साल है जब एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे बराबर ना, और ये वही फाइनेंस मिनिस्टर है जिन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन बराबर ना। तो ये जो उनके बजट स्पीच थी वो सबसे लॉन्गेस्ट बजट स्पीच थी इन द टर्म्स ऑफ वर्ड, 18,650 वर्ड्स की 1991 के अंदर बराबर ना। ओके, और अगर मैं इन द टर्म्स ऑफ आवर्स की बात करूँ, तो सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच अभी तक की निर्मला सीतारामन जी की 2020 के अंदर जब कोविड आया था, तब की उनकी सबसे लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स की अगर बात करें तो बराबर ना। ओके, और 2017 तक फ्रेंड्स, 2017 तक हमारा नॉर्मल बजट और रेलवे बजट अलग अलग प्रेजेंट होता था, लेकिन 2017 से रेल बजट को भी नॉर्मल बजट के साथ मर्ज किया गया, वो ध्यान में रखना है 2017 से। ओके, और ये जो नॉर्मल बजट को रेल बजट के साथ मर्ज किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो जो हमारे अरुण जेटली जी है बराबर ना। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली 2017 के अंदर, तब उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि जो नॉर्मल बजट और रेल बजट दोनों कैसा होने चाहिए, एक साथ ही प्रेजेंट होने चाहिए बराबर ना। तो रेल बजट को नॉर्मल बजट में जस्ट मर्ज किया गया। और 2016 तक, 2016 तक क्या होता था फ्रेंड्स, कि जो बजट है ना वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी तक प्रेजेंट होता था बराबर। मतलब 2016 तक अगर फेब्रुवरी में 28 दिन है तो 28 फेब्रुवरी को लॉन्च होगा, और या तो फिर 29 दिन है तो 29 फेब्रुवरी को लॉन्च होगा, 2016 तक ऐसा चलता था। लेकिन 2017 से फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी बजट कब लॉन्च होने लगा, 1 फेब्रुवरी को लॉन्च होने लगा बराबर ना। ओके, ये ध्यान में रखना है कि 2017 के अंदर अरुण जेटली के द्वारा दो बड़े चेंज लाए गए, एक तो रेल बजट को नॉर्मल बजट से मर्ज कर दिया, और जो 2016 तक फेब्रुवरी के लास्ट वर्किंग डे पे बजट अनाउंस होता था उसके जगह पे फेब्रुवरी के फर्स्ट वर्किंग डे पे बजट अनाउंस होने लगा। और उसके अलावा एक और एक बड़ा चेंज कि 1999 तक, 1999 तक बजट है ना
लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुआरी और वो भी शाम को 5 बजे अनाउंस होता था, बराबर ना। लेकिन 1999 के बाद तब जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा जी, उन्होंने बजट को 5 बजे की जगह पे सुबह 11 बजे प्रेजेंट करने की शुरुआत की, राइट ना। तो एक बड़ा चेंज कि बजट फेब्रुआरी के लास्ट वर्किंग डे के 5 बजे अनाउंस होता था, उसकी जगह पे 11 बजे, सुबह 11 बजे अनाउंस होने लगा। ये किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था? उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर 1999 के अंदर कौन थी? यशवंत सिन्हा जी, उनके द्वारा। और जो बजट लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुआरी को लॉन्च होता था, वो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुआरी लॉन्च होने लगा, वो किसका इनिशिएटिव था? अरुण जेटली जी का, ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज में, आई थिंक आपको इस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में समझ में आया होगा। ओके, और जैसे मैंने आपको बताया, ऑन 1 फरवरी 2021 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड द फर्स्ट पेपरलेस बजट, ध्यान में रखना है। दिस वॉज डन ड्यू द ऑनगोइंग कोविड-19 पेंडेमिक इन इंडिया। तो कोविड पेंडेमिक चल रहा था, इसकी वजह से 1 फरवरी 2021 को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा भारत का पहला पेपरलेस बजट लॉन्च किया गया था, ध्यान में रखना है। ओके राइट, चल। अभी हमने देखा कि बजट ये वर्ड कैसे आया और क्यों उसको ब्रीफ केस में प्रेजेंट किया जाता था, बराबर। फिर धीरे धीरे कैसा कैसे चेंजेस आने लगे, कैसे कैसे समय बीतता गया और जो नए नए फाइनेंस मिनिस्टर आते गए और उन्होंने कैसे कैसे चेंज किए, बराबर, वो हमने पढ़ा, राइट। अभी हम बात करते हैं बजट के बारे में कि व्हाट इज बजट फ्रेंड्स। तो बजट एक्चुअली क्या है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के अंदर बजट के बारे में लिखा हुआ है। और बजट के बारे में क्या लिखा हुआ है कि बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। बजट एक क्या है? गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, अभी ये जो बजट लॉन्च किया गया, हालांकि ये तो इलेक्शन था, इसकी वजह से दो बजट लॉन्च हुए, इंटरिम बजट और फुल बजट, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो कुछ स्लाइडों के बाद देखेंगे। लेकिन नॉर्मली बजट कब लॉन्च होता है फ्रेंड्स? 1 फरवरी को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात करूँ, 1 फरवरी 2025 को बजट लॉन्च होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, तो ये 1 फरवरी 2025 को जो बजट लॉन्च होगा, उसके अंदर गवर्नमेंट गवर्नमेंट 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक कौन सी जगह पे खर्चा करेगा और कहाँ से पैसा आएगा, गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से आएगी और गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ पे होगा, ये सब का लिखा जोखा होता है बजट के अंदर, राइट। मतलब आने वाले 1 साल के अंदर गवर्नमेंट का इनकम कहाँ से होगी और गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ पे होगा, ये सब कहाँ पे लिखा होता है फ्रेंड्स? बजट के अंदर। और एक टर्म सुना होगा आपने, इकोनॉमिक सर्वे। फ्रेंड्स, बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है। ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट ने पिछले साल में क्या किया उसका लिखा जिखा होता है, और बजट के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट आने वाले साल में क्या करने वाली है उसका लिखा जिखा होता है, बराबर ना। ओके राइट, तो आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट का डिफरेंस समझ में आया? हाँ। और बजट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ गवर्नमेंट्स एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। बजट एक्चुअल में, ये जो बजट वर्ड है ना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को क्या लिखा गया है? इट इज अ गवर्नमेंट्स एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। बजट वर्ड का कोई जगह पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया गया, ध्यान में रखना है कि द टर्म बजट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो 112 आर्टिकल 112 में जो लिखा गया है, वो क्या लिखा गया है? गवर्नमेंट्स एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर के बारे में लिखा गया है। बजट कोई जगह पे बजट वर्ड का यूज नहीं हुआ है। इट इज ऑल्सो नोन एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बजट। ये बजट वर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया गया है, ध्यान में रखना है। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट का किस कौन से आर्टिकल के अंदर जिक्र किया गया है फ्रेंड्स? आर्टिकल 112 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना है। ओके चलो, अभी जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट को पार्लियामेंट में पेश करते हैं, तब बजट टोटल मिला के 6 स्टेज में से पसार होता है। कौन कौन से 6 स्टेज में से? सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बजट को प्रेजेंट किया जाता है। सेकंड, उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। थर्ड, अलग अलग डिपार्टमेंट एंड कमेटी के द्वारा उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। फोर्थ, फिर वोटिंग की जाती है ऑन डिमांड फॉर ग्रांट कि भाई कौन से सेक्टर में कितनी ग्रांट देनी है। अभी देखो, गवर्नमेंट गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर में जो पैसा प्रोवाइड करता है विदाउट एनी प्रॉफिट। अब देखो, लोन इज अ डिफरेंट थिंग,
और ग्रांट इज अ डिफरेंट थिंग। लोन में क्या होता है, गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल किसी को लोन देता है तो प्रिंसिपल देगा, उसके साथ वो क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है। लेकिन गवर्नमेंट अगर किसी को ग्रांट देता है मतलब वो जस्ट प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है, और वो वापिस भी क्या लेगा, प्रिंसिपल, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। राइट ना, समझ में आया कि नहीं। लोन में गवर्नमेंट प्रिंसिपल भी वापस लेता है और इंटरेस्ट भी वापस लेता है, लेकिन ग्रांट के अंदर मात्र क्या वापस लेता है, प्रिंसिपल वापस लेता है, इंटरेस्ट वापस नहीं लेता। राइट, तो कौन सा सेक्टर में कितनी ग्रांट देनी चाहिए उसके ऊपर वोटिंग होती है। ये फोर्थ स्टेज है। फिफ्थ स्टेज है अप्रोप्रिएशन बिल, पासिंग एन अप्रोप्रिएशन बिल। अभी अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे खर्चा करेगी, कहाँ कहाँ पे खर्चा करेगी, पहले वो बिल पास किया जाता है, फिर गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट करेगी, फिर वो बिल पास किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस बिल। बराबर ना, टोटल छः छः स्टेज में से पसार होता है बजट। सबसे पहले बजट को प्रेजेंट करना है, उसके ऊपर डिस्कशन करना है, डिपार्टमेंटल कमेटी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है, ग्रांट के ऊपर वोटिंग होगी, फोर्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज, सबसे पहले कौन सा बिल पास होगा, गवर्नमेंट कौन सी जगह पे खर्चा करने वाला है आने वाले नेक्स्ट ईयर के अंदर, वो बिल पास होगा, अप्रोप्रिएशन बिल। और उसके बाद गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट करने वाला है, वो बिल पास होगा, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस बिल। बराबर ना, टोटल ये छः स्टेज में से पसार होने के बाद बजट पास होता है, सिंपल। बराबर ना, ओके। और ये जो बजट को बनाता है कौन कौन फ्रेंड्स, तो बजट को मात्र फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाते, एक डिवीजन बनाया गया है जिसको बोलते हैं बजट डिवीजन। ये बजट डिवीजन कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में काम करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में काम करता है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये डिपार्टमेंट कौन से मिनिस्ट्री में काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है। तो सिंपल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसके अंडर में बजट डिवीजन है, वो बजट को प्रिपेयर करती है। राइट, और जो पहला बजट है इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो कब प्रेजेंट किया गया था, 1947 के अंदर, वो अभी हमने देखा फ्रेंड्स। बराबर ना, ओके। चल अभी हम देखते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द इंटरिम बजट और फुल बजट। अभी आपने इसी साल सुना होगा 2024 के अंदर, कि फेब्रुवरी के अंदर गवर्नमेंट ने एक इंटरिम बजट लॉन्च किया 1 फरवरी को, और अभी जो लॉन्च किया वो फुल बजट लॉन्च किया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरिम बजट एंड फुल बजट, बराबर ना, ओके। तो उसके बारे में समझते हैं। तो आप देख सकते हो कि इंटरिम बजट इज अ टेम्पररी बजट विच इज प्रेजेंटेड बिफोर द जनरल इलेक्शंस, और जो फुल बजट होते हैं इज एन एनुअल बजट विच इज प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। देखो फ्रेंड्स, एक्चुअली में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल 2024 में इलेक्शन थे, राइट, ओके। अभी इलेक्शन नॉर्मली होते हैं अप्रैल मई जून के अंदर होते हैं, राइट ना। अभी जो बजट नॉर्मली प्रेजेंट होता है फेब्रुवरी के आसपास, बराबर, ओके। तो अभी फेब्रुवरी के अंदर पता नहीं होता कि अप्रैल या फिर मई महीने में जब भी कोई इलेक्शन होने वाला है, तब कौन सी गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी गवर्नमेंट आ सकती है, तो कौन सी गवर्नमेंट सरकार चलाने वाली है वो हमको पता नहीं होता। तो जो रूलिंग पार्टी है वो फेब्रुवरी के अंदर क्या करेगी, तो जब तक इलेक्शन आने वाले होते हैं तब तक का बजट अनाउंस करेगी, जिसको बोलते हैं इंटरिम बजट। फिर एक बार सरकार डिसाइड हो जाए, फिर अगर वही सरकार कंटिन्यू करती है या तो फिर कोई दूसरी सरकार आती है, वो एक फाइनल बजट लॉन्च करता है, जिसको हम बोलते हैं फुल बजट। राइट, तो वैसे तो फुल बजट मतलब एक पूरे साल का लिखा जोखा होता है, लेकिन जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तब कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए सरकार बजट लॉन्च करती है, जिसको बोलते हैं इंटरिम बजट। बराबर ना, ओके। और ये जो इंटरिम बजट है, द इंटरिम बजट इज वैलिड फॉर द ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ द इलेक्शन ओनली। ये जो इंटरिम बजट है ना, जब इलेक्शन के साल होते हैं तभी उसी कुछ महीनों के लिए वो इंटरिम बजट वैलिड होता है, और उसके बाद वो बजट को कौन रिप्लेस करता है फ्रेंड्स, फुल बजट रिप्लेस करता है। बराबर ना, ओके, ध्यान में रखना है। राइट, तो नॉर्मली एक्चुअली अभी देखो एक्चुअल में फ्रेंड्स, इसमें मेन मुद्दा क्या है कि अभी हमने देखा ना कि बजट को पास करने के लिए बजट को 6 स्टेज में से पसार होना होता है, और उसमें से ये जो फिफ्थ नंबर का स्टेज है ना, अप्रोप्रिएशन बिल, ये गवर्नमेंट आने वाले साल के अंदर कितना खर्चा करने वाला है वो ये बिल में लिखा होता है। जब तक ये बिल पास ना होना, तो गवर्नमेंट हमारे कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, देखो बजट के अंदर जितना भी पैसा आने वाला है या तो फिर जाने वाला है, मतलब सरकार के पास, अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो केंद्र सरकार के पास जितना पैसा आएगा और जाएगा, ये सब कहाँ पे उसका लिखा जाता होता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर, CFI, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर कौन सा पैसा कहाँ से आएगा, वो
वो भी गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है, और कौन सा पैसा कहाँ पे जाएगा वो भी गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है बराबर विद द हेल्प ऑफ। अभी कौन सा पैसा कहाँ पे जाएगा वो अप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से दिखाना होता है, और कौन सा पैसा कहाँ से आएगा वो फाइनेंस बिल के माध्यम से दिखाना होता है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर यही बजट 2025 का होता, 2025 का, तो बजट कब लॉन्च होता? फेब्रुवरी 1 को 2025 को, और तब गवर्नमेंट परमिशन मांगती है पार्लियामेंट से कि भाई हमारा ये टारगेट है कि हम 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक कॉन्स्टिट्यूशनल फंड ऑफ इंडिया में इतना पैसा यहाँ से जमा करेंगे और इतना पैसा यहाँ से खर्च करेंगे। ये दोनों बिल पास करवा के गवर्नमेंट परमिशन मांगती है पार्लियामेंट से कि भाई हम इतना इनकम जनरेट करने वाले हैं और इतना खर्चा करने वाले हैं, राइट? ओके, जब तक ये पार्लियामेंट में पास ना हो जाए तब तक गवर्नमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंड ऑफ इंडिया में ना तो पैसा जमा करवा सकता है ना तो पैसा निकाल सकता है, फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके, तो हाँ ये सिचुएशन होती है। तो अभी ये इलेक्शन का ईयर था, इलेक्शन का ईयर था, तो जो रूलिंग पार्टी होगी वो फेब्रुवरी में इंटरिम बजट लॉन्च करेगी, इंटरिम बजट लॉन्च करेगी, लेकिन कब तक का? जब तक इलेक्शन हो तब तक। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन मई महीने में हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो रूलिंग पार्टी क्या करेगी, वो पार्लियामेंट से 1 अप्रैल 2000, फॉर एग्जाम्पल 2024 का साल था, 1 अप्रैल 2024 से फॉर एग्जाम्पल 31 मई 2024 तक का 2 महीने का एक टाइम मांगे कि ये 2 महीने के अंदर हमको इतना खर्चा करना है और 2 महीने के अंदर हम इतना इनकम जनरेट करेंगे। तो ये जो अप्रैल से मई महीने का, ये जो 2 महीने का जो टाइम है, अभी तक तो देखो फुल बजट तो पास नहीं हुआ, फुल बजट तो अभी प्रेजेंट ही नहीं किया, तो अभी सरकार को अगर पैसा खर्च करना है कॉन्स्टिट्यूशनल फंड ऑफ इंडिया में से, बराबर ना? ओके, तो वो कैसे खर्च करेगी? और उसको परमिशन लेनी पड़ेगी पार्लियामेंट से, बराबर ना? ओके, राइट। तो इसकी वजह से सरकार क्या करती है, इंटरिम बजट लॉन्च करती है, और इंटरिम बजट में टेम्पररी पीरियड के लिए अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल पसार करवाती है कि भाई हमको इतना खर्चा लगेगा, हमारा इतना इनकम होगा ये 2 महीने के अंदर, हमको जस्ट परमिशन दो कि हम इतना खर्चा कर सके, सिंपल, बराबर ना? ओके, तो ये वोट, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वोट ऑन अकाउंट, क्या बोलते हैं, वोट ऑन अकाउंट। तो ये जो इंटरिम बजट का जो लॉन्च करने का जो मेन पर्पस है वो गवर्नमेंट वोट ऑन अकाउंट मांगती है पार्लियामेंट से कि हाँ हमको इतना खर्चा करना है, हमारी इतनी इनकम होगी ये 2 महीने के दौरान, और उसके बाद जब इलेक्शनों का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद जो रूलिंग पार्टी आएगी वो एक नया बजट बनाएगी और फिर वो अलग से अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल पसार करवाएगी, सिंपल, बराबर ना? ओके, राइट। तो ये समझ में आया फ्रेंड्स आपको कि व्हाट इज अ इंटरिम बजट एंड व्हाट इज अ फुल बजट, बराबर ना? ओके, राइट। बजट वर्ड का यूज कोई भी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ है, और जो हुआ है, जो बजट का मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट, वो आर्टिकल 112 में लिखा है। ओके, राइट, चलो चलो। तो अभी तक हमने बजट के बारे में पढ़ा, व्हाट इज बजट, व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड बजट, बराबर ना? बजट को बजट क्यों बोलते हैं, कैसे कैसे बजट में कुछ रिवोल्यूशन आते रहे, बराबर, कैसे कैसे थोड़े से चेंज आते रहे, बराबर, वो सब हमने पढ़ा। अभी हम पढ़ते हैं व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ बजट 2024-25, बराबर ना? राइट, ओके, तो उसके बारे में बात करते हैं। ओके, अभी तक फ्रेंड्स हमने बात की कुछ स्टेटिक फैक्ट्स के बारे में, बजट के कुछ स्टेटिक फैक्ट्स के बारे में, बजट क्या है, कैसे बजट वर्ड का ओरिजिनेशन हुआ, बजट के अंदर कैसे कैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़े, कैसे कैसे कुछ चेंजेस आए, बराबर ना? ओके, और कैसे वो पार्लियामेंट में पास होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरिम बजट और फुल बजट। ओके, तो अभी हम बात करेंगे व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द बजट 2024-25, बराबर ना? ओके, तो आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जुलाई 2024 के अंदर फुल बजट लॉन्च किया गया है, बजट डिवीजन के द्वारा, उसके बारे में बात करते हैं, राइट, चलो। ओके, तो इस साल के बजट के अंदर फ्रेंड्स विकसित भारत के ऊपर फोकस किया गया है, डेवलप नेशन, डेवलप भारत, और टोटल 4 मेजर एरिया के ऊपर फोकस करने की बात की है गवर्नमेंट के द्वारा। एक तो है गरीब, सेकेंड महिलाएं, थर्ड युवा, और फोर्थ अन्नदाता मतलब फार्मर्स। तो ये 4 लोगों को ऊपर मेजर फोकस किया गया है इस साल के बजट के अंदर। ओके, उसके अलावा, ओके, और उसके अलावा इस साल के बजट की जो थीम रखी गई है वो टोटल 4 थीम के ऊपर ये बजट लॉन्च किया गया है। फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड स्किलिंग, थर्ड एमएसएमई, और फोर्थ मिडिल क्लास। तो ये 4 अलग अलग सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया है और ये 4 अलग अलग लोगों के ऊपर फोकस किया गया है इस साल के बजट के अंदर, बराबर ना? ओके, राइट, चलो। तो सबसे पहले अगर मैं कुछ प्रायोरिटीज की बात करूँ, प्रायोरिटीज यहाँ पे टोटल
नौ प्रायोरिटीज को सेट किया गया है ये बजट के अंदर। उसमें से पहली प्रायोरिटी है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन द एग्रीकल्चर। सबसे पहली प्रायोरिटी दी गई है एग्रीकल्चर को फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए और एग्रीकल्चर के अंदर रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी, वो यहाँ पे बताए गए हैं, बराबर ना। ओके, तो ट्रांसफॉर्मिंग द एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करने की बात की है, और कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च सेटअप टू बीइंग फोकस ऑन रेजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपिंग द क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटी। मेन फोकस क्या रहेगा गवर्नमेंट का कि हमको एक ऐसी वेराइटीज डेवलप करनी है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कैसी हो, क्लाइमेट रेजिलियंट हो, ताकि जो खेडूतों का नुकसान होता है क्लाइमेट की वजह से वो ना हो, सिंपल, बराबर ना। उसके अलावा नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जल्द से जल्द। और उसके अलावा हमको बहुत सारे अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर आत्मनिर्भर बनना है, वो भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लेरिफाई किया है कि हम ऑयल सीड्स सच एज मस्टर्ड, ग्राउंड नट्स, सीजम, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये सब जो चीज़ें अभी तक हम इंपोर्ट करवाते हैं उसके अंदर हमको आत्मनिर्भर बनना है ये पर्टिकुलर ईयर के अंदर। और वेजिटेबल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन के ऊपर भी फोकस करना है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने एफपीओस को प्रमोट करने की बात की है, कोऑपरेटिव्स और स्टार्टअप्स जो वेजिटेबल सप्लाई चेन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके ऊपर काम करेगा गवर्नमेंट, यहाँ पे ऐसी बात की गई, राइट। और उसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है टोटल 109 न्यू हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटीज को लॉन्च किया जाएगा 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर, और ये फार्मर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है कि ऐसे क्रॉप्स हो गए फ्रेंड्स कि ये क्लाइमेट रेजिलियंट हो गए और उसके अलावा हाई यील्डिंग हो गए, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होगी, बराबर, और क्लाइमेट रेजिलियंट हो गए, दो दो बेनिफिट हो गए। तो 109 ऐसी वेराइटीज को डेवलप करना है इस साल, टोटल 32 अलग अलग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर, ताकि फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिल सके, बराबर ना। ओके, उसके अलावा गवर्नमेंट इस बार नेचुरल फार्मिंग के ऊपर फोकस कर रही है, 1 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस अ कंट्री विल बी इनिशिएटेड इन टू द नेचुरल फार्मिंग। टारगेट क्या रखा गया है कि 1 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग वो करे, ऐसा उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, उनके अंदर मोटिवेशन क्रिएट करना है, सिंपल, बराबर ना। ओके, और उसके अलावा 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स इज टू बी एस्टेब्लिश, और इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे पूरे देश के अंदर, बराबर ना। तो नेचुरल फार्मिंग के ऊपर फोकस करने की बात की गई है। उसके अलावा श्रीम प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के बारे में बात की गई है, श्रीम प्रोडक्शन का मतलब फिश प्रोडक्शन। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने नाबार्ड के अंदर पैसा प्रोवाइड करने की बात की है, ताकि नाबार्ड आगे फंडिंग प्रोवाइड कर सके और श्रीम मतलब फिशरी सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़े और एक्सपोर्ट बढ़े, सिंपल, बराबर ना। और चल, उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बात की गई है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द कवरेज ऑफ द फार्मर्स इन देयर लैंड्स इन 3 ईयर्स, बराबर ना। तो भारत में जितने भी फार्मर्स हैं और उनको और उनकी लैंड को 3 साल के अंदर ये मतलब उनकी लैंड रिकॉर्ड को एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, बराबर ना। टोटल डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा 400 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और जन समर्थ को इश्यू किया जाएगा, जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड को इश्यू किया जाएगा। अभी एक्चुअली फ्रेंड्स जन समर्थ क्या है, तो जन समर्थ एक्चुअली गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है जहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कोई फार्मर के पास जन समर्थ का कार्ड है, मतलब उनका जो लैंड रिकॉर्ड का डेटा है ना वो डिजिटली स्टोर हो चुका है, तो अभी गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है कि अगर कोई फार्मर अभी कोई किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लेने के लिए आएगा तो उसका उसको लोन तो मिलेगा केसीसी के माध्यम से, लेकिन उनकी लैंड होल्डिंग को डिजिटली रिकॉर्ड भी किया जाएगा और उसको क्या क्या दिया जाएगा, जन समर्थ कार्ड भी दिया जाएगा, बराबर ना। तो अभी जितनी भी केसीसी के अंदर में लोन प्रोवाइड की जाएगी एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो उसके साथ साथ क्या इशू किया जाएगा, जन समर्थ, बराबर ना। ओके, ध्यान में रखना है। तो पहली प्रायोरिटी एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया गया है, मेन मेन मुद्दा है प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस को बढ़ाना, बराबर ना। ओके, और 109 वेराइटी को डेवलप करने की बात चल रही है 32 अलग अलग हॉर्टिकल्चर ग्रुप के अंदर, ध्यान में रखना है। नेचुरल फार्मिंग के ऊपर फोकस करना है और फिशरी सेक्टर के ऊपर भी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात की है। उसके अंदर किसके अंदर पैसा डालेंगे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, नाबार्ड के अंदर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के अंदर, और डीपीआई के ऊपर फोकस करना है ताकि आने वाले 3 सालों के अंदर जितने भी फार्मर्स हैं उनकी उनकी और उनके लैंड रिकॉर्ड डिजिटली कन्वर्ट हो जाए, सिंपल, बराबर ना। ओके, राइट, तो समझ में आया फ्रेंड्स फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, और ये सब प्रायोरिटी को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर में
इस साल के बजट के अंदर 1.52 लाख करोड़ रुपीज प्रोवाइड किए हैं, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। गवर्नमेंट ने इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा अनाउंस किया है, 1.52 लाख करोड़, बराबर ना? ओके चलो, सेकेंड प्रायोरिटी है फ्रेंड्स इम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के ऊपर। ओके तो एक्चुअली पीएम पैकेज, टोटल 5 स्कीम का पैकेज लॉन्च किया गया है, पीएम पैकेज। ओके टोटल पीएम पैकेज, टोटल 5 स्कीम का लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स, उसमें से 3 स्कीम है ना वो इम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है और 2 स्कीम स्किलिंग रिलेटेड है, उसके बारे में बात करते हैं। ओके तो ये पीएम पैकेज की जो 5 स्कीम है उसमें से जो पहली 3 स्कीम है वो इम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव के ऊपर है, इम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव के ऊपर। कैसे? तो उसमें से स्कीम ए है वो फर्स्ट टाइमर के लिए, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा व्यक्ति जो पहली बार जॉब कर रहा है, वो पहली बार जॉब कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई ग्रेजुएट होके पहली बार कोई जगह पे जॉब कर रहा है, तो उसका सैलरी फॉर एग्जाम्पल 1 महीने के बाद 15,000 रुपया आने वाला है, बराबर? फॉर एग्जाम्पल तो वो 1 महीने के बाद जो 15,000 आने वाला था ना फ्रेंड्स, वो अभी 3 इंस्टॉलमेंट में आएगा, 3 इंस्टॉलमेंट में आएगा, बराबर ना? लेकिन ये जो इनिशिएटिव है वो कितने यूथ को हेल्प करेगा, 210 लाख यूथ को हेल्प करेगा। समझ में आया कि क्या इनिशिएटिव है? फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति जो ग्रेजुएट होके कोई जगह पे कोई फॉर्मल सेक्टर के अंदर, कौन से सेक्टर के अंदर? फॉर्मल सेक्टर के अंदर, बराबर ना, मतलब रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर अगर वो जॉब करने के लिए जा रहा है और उसका सैलरी 15,000 तक का है, कितना है? 15,000 तक का है, बराबर ना? तो ये जो फर्स्ट सैलरी आएगा वो 1 महीने के बाद आएगा ना, जॉब 1 महीना करेगा उसके बाद आएगा ना। ओके लेकिन हम सबको पता है कि जो शुरुआत के महीना होता है वहाँ पे कितने सारे खर्चे होते हैं, राइट ना? तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है कि ये जो सैलरी 15,000 1 महीने के बाद देने वाले हैं एक पर्टिकुलर कंपनी, एक पर्टिकुलर इंप्लॉय को, उसकी जगह पे उसी महीने के अंदर ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाए, मतलब 5,000 के 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाए, सिंपल, बराबर ना? ओके ताकि उसका जो बीच का खर्चा है वह जो पहले महीने का जो ट्रांजिशन पीरियड है वो निकल जाए, सिंपल, बराबर ना? तो ये इनिशिएटिव है ना वो 210 लाख यूथ को हेल्प करेगा। ये जो सेकेंड स्कीम है ना फ्रेंड्स वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब क्रिएशन बढ़ाएगी। कैसे? तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो सेकेंड स्कीम है अगेन उसको फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को ही साथ ही कनेक्ट किया गया है, एक्चुअली कंपनीज को इंकरेज किया गया है कि आप फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को अपॉइंट करो, रिक्रूट करो, फ्रेशर को रिक्रूट करो। कैसे कैसे इंकरेज किया गया है? तो एक्चुअली आपको पता ही है कि फ्रेंड्स ये ईपीएफओ के अंदर जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है वो एक तो एम्प्लॉय के सैलरी में से भी जाता है पीएफ का कंट्रीब्यूशन, और एम्प्लॉयर भी आधा पेंशन वो अपने तरफ से देता है, राइट ना? मतलब दोनों व्यक्ति कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है एक व्यक्ति के पीएफ के अकाउंट के अंदर, ईपीएफओ के अंदर, बराबर ना? ओके तो यहाँ पे जो कंपनीज है वो ज्यादातर फ्रेशर्स को अपॉइंट करे, इसकी वजह से उनको बोला गया है कि अगर आप फ्रेशर को अपॉइंट करोगे ना तो उनके उनके लिए जो आप पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हो ना उसके अंदर आपको थोड़ा सा इंसेंटिव दिया जाएगा पहले 4 सालों के लिए। तो यहाँ पे कंपनी को इंकरेजमेंट मिलता है कि भाई हम एक नॉर्मल व्यक्ति की जगह पे फ्रेशर को अपॉइंट करें ताकि हमारा ये पीएफ के पीछे जो खर्चा हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाए, सिंपल। और ये स्कीम के माध्यम से 30 लाख यूथ को बेनिफिट मिलेगा, ध्यान में रखना है। ओके और सेकेंड ये जो थर्ड स्कीम है फ्रेंड्स वो सपोर्ट कर रही है इम्प्लॉयर्स को। कैसे इम्प्लॉयर्स को सपोर्ट करेगी? तो इनको ऐसा बोला गया है कि अभी आप फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर साल में जितना भी नए हायरिंग करोगे वो नए हायरिंग के पीछे आप जितना भी आपका जो नया ईपीएफओ के अंदर कंट्रीब्यूशन होगा उस कंट्रीब्यूशन के अंदर, बराबर ना, आपको 3,000 पर मंथ 2 सालों के लिए वापिस मिलेगा, रीइंबर्स मिलेगा, बराबर ना? ओके एक व्यक्ति के पीछे, बराबर ना? ओके और ये इनिशिएटिव की वजह से टोटल 50 लाख जॉब क्रिएट होगी ऐसा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, बराबर ना? ओके तो ये 3 स्कीम है, नॉर्मली इम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम है ये एक्चुअली, बराबर? ये दोनों स्कीम के ऊपर यहाँ पे फर्स्ट टाइमर के ऊपर फोकस किया गया है, बराबर? ओके कि जो पहला पगार मिलेगा उनको इंस्टॉलमेंट मिलेगा, यहाँ पे इम्प्लॉयर और इम्प्लॉय दोनों को बेनिफिट मिलेगा, बराबर? कि पहले 4 साल के लिए जितना भी ईपीएफओ के अंदर कंट्रीब्यूशन होगा उसके अंदर उनको थोड़ा सा इंसेंटिव मिलेगा, बराबर ना? ओके और ये स्कीम सी के अंदर, बराबर, जो सपोर्ट मिल रहा है इम्प्लॉयर्स को मिल रहा है कि जितने भी नए हायरिंग होंगे उसके अंदर पर हेड 3,000 पर मंथ 2 सालों के लिए वापिस मिलेगी ईपीएफओ के कंट्रीब्यूशन में से, बराबर ना? ओके ताकि उनको नए हायरिंग करने पे मजबूर किया जाए,
उनको इंकरेज किया जाए, बराबर ना? ओके, और ये 50 लाख नई जॉब क्रिएट करेगा, सिंपल, बराबर ना? ओके, राइट, ओके। तो ये पीएम पैकेज की 3 स्कीम हो गई जो किससे रिलेटेड है, इम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव है, बराबर? ओके, अभी जो फोर्थ स्कीम है पीएम पैकेज की, वो स्किलिंग प्रोग्राम के ऊपर है, बराबर ना? ये स्किलिंग प्रोग्राम के अंडर में, पीएम पैकेज की ये फोर्थ स्कीम के अंडर में, टोटल 20 लाख यूथ को स्किल प्रोवाइड की जाएगी आने वाले 5 साल के अंदर। उसके लिए 1,000 ITIs को डेवलप किया जाएगा, हब एंड स्पोक अरेंजमेंट के अंदर, और कोर्स एंड कंटेंट को डिजाइन किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग, बराबर ना? ओके, राइट। और ओके, और स्किल प्रोवाइड करने के लिए, जैसे एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एजुकेशन लोन मिलती है, उसी तरीके से स्किल प्रोवाइड करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति को स्किल ले रहा है कोई अच्छी जगह से, तो उसके पास पैसा नहीं है, तो स्किलिंग प्रोवाइड करने के लिए भी लोन मिलेगी 7.5 लाख तक की, बराबर ना? और ये गारंटीड लोन मिलेगी गवर्नमेंट के माध्यम से, मतलब गारंटी किसको मिलेगी, बैंक को, किसके माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से, कि आप ये व्यक्ति को स्किल प्रोवाइड करने के लिए लोन दीजिए, अगर वो वापस नहीं करेगा तो गवर्नमेंट वापस करेगी, बराबर ना? और ये जो बैंक को पैसा देगा गवर्नमेंट, अगर वो व्यक्ति पैसा वापस ना करे तो वो गवर्नमेंट कौन से फंड में से निकालेगी, गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड के माध्यम से निकालेगी, बराबर ना? टोटल इसके माध्यम से 25,000 स्टूडेंट को हर साल फायदा होगा, उनको स्किलिंग के लिए लोन मिलेगा, बराबर ना? ओके, राइट। और ओके, और अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई स्टूडेंट को डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के अंदर हायर एजुकेशन लेना है, तो उसको 10 लाख तक का एजुकेशन लोन तो मिलता ही है, जो अभी भी मिल रहा है और जो आने वाले समय में मिलेगा, और अगर उसका अच्छे से रीपेमेंट हो रहा है तो उसमें 3% इंटरेस्ट सबमिशन भी मिलता है, बराबर ना? ओके, राइट। तो अभी अगर आप फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन लोन लेते हो, तो आपको 10 लाख तक का एजुकेशन लोन मिलता है, और अगर आप अच्छे से रीपेमेंट करते हो, तो आपको जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें 3% इंटरेस्ट सबमिशन मिलता है, बराबर ना? ओके। और उसके अलावा अभी नया इनिशिएटिव, स्किलिंग करने के लिए, स्किलिंग प्रोवाइड करने के लिए, स्किलिंग गेन करने के लिए आपको लोन मिलेगा 7.5 लाख तक का, वो भी गारंटीड फ्रॉम द गवर्नमेंट, ध्यान में रखना है। ओके, राइट। चल, गवर्नमेंट की थर्ड प्रायोरिटी है फ्रेंड्स, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। उसके बारे में बात करें, किस तरीके से गवर्नमेंट ने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर फोकस किया है, किस तरह के सोशल जस्टिस के ऊपर फोकस किया है, उसके ऊपर देखते हैं। चल, तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में पूर्वोदय, पूर्वोदय का मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, और प्लान फॉर इंडोमेन रिच स्टेट्स इन द ईस्टर्न पार्ट्स कवरिंग द बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, फॉर जनरेशन ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू अटेन द विकसित भारत। गवर्नमेंट ने विकसित भारत को बनाने के लिए जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसके ऊपर फोकस किया है, जिसको नाम दिया है पूर्वोदया, राइट ना? तो ये जो स्टेट्स हैं, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर इस साल के बजट के अंदर ज़्यादा फोकस किया गया है। हम देखेंगे आगे कि बिहार को क्या प्रोवाइड किया गया है, वेस्ट बंगाल को क्या प्रोवाइड किया गया है, उड़ीसा को क्या प्रोवाइड किया गया है, आंध्र प्रदेश को क्या प्रोवाइड किया गया है, बराबर, ताकि एक विकसित भारत का जो हमारा सपना है वो हासिल हो सके, राइट? ओके, और अगर मैं सोशल जस्टिस की बात करूँ, तो गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ रुपया एक ऐसी स्कीमों के पीछे लगाया है जहाँ जो वुमेन सेंट्रिक और गर्ल सेंट्रिक है, बराबर ना? जो सोशल जस्टिस के ऊपर गवर्नमेंट ज्यादा फोकस किया वो प्रूव करता है, सिंपल, बराबर ना? उसके अलावा ये बजट के अंदर गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभियान लॉन्च किया है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इस अभियान के माध्यम से टोटल 63,000 विलेज को डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे जो 5 करोड़ ट्राइबल पीपल है, उनकी जो कंडीशन है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसको इम्प्रूव किया जाएगा इस अभियान के माध्यम से। और उसके अलावा मोर देन 100 ब्रांचेस ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसको सेटअप किया जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, बराबर ना? और आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर में फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का इस बजट के अंदर, ऐसा बोल के कि भाई पोलावरम प्रोजेक्ट, जो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में चल रहा है, उसको कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2024-25 के लिए आंध्र प्रदेश को कितना पैसा दिया है, 15,000 करोड़ रुपया, बराबर, ध्यान में रखना है। एक्चुअल में ये जो 2024 के जो इलेक्शंस हुए फ्रेंड्स, जहाँ पे बीजेपी का जो सिलेक्शन हुआ एज अ गवर्नमेंट, ये सिलेक्शन के पीछे आपको भी पता है बीजेपी को बहुत ही कम सीट मिली थी, लेकिन आंध्र प्रदेश और बिहार, आंध्र प्रदेश और बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है, उनकी जो सत्ता है, उनकी जो सरकार है, उनको बीजेपी का साथ मिला, और इसकी वजह से बीजेपी आज मतलब
सेंट्रल लेवल पे अपनी सरकार बना पाई है। सिंपल बराबर ना। इसकी वजह से आंध्र प्रदेश और बिहार को एक अलग से प्रायोरिटी मिली है इस साल के बजट के अंदर। लेकिन आपको जस्ट ध्यान में रखना है 15,000 करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश को मिला एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट 2024-25 के लिए। किसकी वजह से, कौन से प्रोजेक्ट के लिए? पोलावरम इरीग्रेशन प्रोजेक्ट के लिए, उसको कम्प्लीट करने के लिए। सिंपल बराबर ना। ओके राइट। और ओके गवर्नमेंट ने इस साल के बजट के अंदर 2.66 लाख करोड़ अलोकेट किए हैं रूरल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करने के लिए। बराबर ना। तो रूरल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करने के लिए गवर्नमेंट ने इस साल 2.66 लाख करोड़ रुपया अलोकेट किया है। बराबर ना। मेनली किसके ऊपर फोकस करना है? पूर्वोदय स्टेट्स है उसके ऊपर। उसके अलावा 3 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम के पीछे लगाया है जहाँ पे वुमेन्स और गर्ल्स को एज अ सेंटर रखा गया है। उसके अलावा 63,000 विलेज के अंदर 5 करोड़ जो ट्राइबल पीपल रहते हैं उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान लॉन्च किया है। 100 ब्रांचेस को ओपन करना है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के। और उसके अलावा आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर में आंध्र प्रदेश को कितना फाइनेंशियल सपोर्ट मिला फ्रेंड्स? 15,000 का। बराबर 15,000 करोड़ का। ओके राइट। चलो गवर्नमेंट की फोर्थ प्रायोरिटी इस साल के बजट में रही है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। बराबर ना। ओके। और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में गवर्नमेंट ने मेनली इस बार एमएसएमईज के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के ऊपर। बराबर ना। ओके। और अभी तक जो हमने पीएम स्कीम की जो 4 स्कीम पढ़ी, 3 तो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड थी और 4 चौथी जो थी वो स्किल रिलेटेड थी, ये 5वीं स्कीम है बराबर जहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई है। ये स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन द 500 टॉप कंपनीज टू 1 करोड़ यूथ इन 5 ईयर्स। ये स्कीम के अंडर में, ये पीएम पैकेज की 5वीं स्कीम के अंडर में जो टॉप 500 कंपनीज हैं, ये टॉप 500 कंपनीज में 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप प्रोवाइड करने की बात चल रही है। बराबर ना। ओके। और उनको अलाउंस मिलेगा इंटर्नशिप करने के बाद, उनको पैसा मिलेगा 5,000 रुपया पर मंथ। ओके। और उसके अलावा वन टाइम असिस्टेंस भी मिलेगा 6,000 रुपये का। ये जो 6,000 रुपये का असिस्टेंस मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड में से मिलेगा। आपको होमवर्क करना है कि व्हाट आर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, व्हाट इज सीएसआर, व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपको फाइंड करना है राइट। लेकिन ये जो 5th स्कीम है पीएम पैकेज के अंडर में, उस स्कीम के अंडर में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है 1 करोड़ यूथ को टॉप 500 कंपनीज के अंदर। और इंटर्नशिप के बाद उनको अलाउंस देना है 5,000 रुपया पर मंथ का, और वन टाइम असिस्टेंस देना है 6,000 रुपये का। और ये जो वन टाइम असिस्टेंस मिलेगा 6,000 रुपये का, वो कहाँ से आएगा फ्रेंड्स? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड में से आएगा, सीएसआर फंड में से। ओके चलो। उसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम जो एमएसएमई के लिए जो चल रही है उसको भी एक्सटेंड किया गया है। आपको पता ही होगा व्हाट आर द क्रेडिट गारंटी स्कीम। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक कोई एमएसएमई सेक्टर में जो कंपनी काम करती है उसको लोन प्रोवाइड करता है, तो सरकार बैंक को गारंटी प्रोवाइड करती है कि अगर वो एमएसएमई कंपनी वाला अगर बैंक को पैसा वापस नहीं करेगा तो सरकार उसके बिहाफ पे पैसा वापस करेगी। इसको बोलते हैं क्रेडिट गारंटी। और ये जो क्रेडिट गारंटी बैंक एमएसएमई कंपनी को देता है वो कौन सी स्कीम के अंडर में देता है फ्रेंड्स? क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंडर में देता है। बराबर ना। ओके। उसके अलावा जो मुद्रा लोन, मुद्रा आपको नाम पता होगा फ्रेंड्स, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट फॉर रीफाइनेंसिंग एजेंसी मुद्रा, ये मुद्रा लोन के अंडर में एमएसएमई कंपनी को 10 लाख तक की लोन मिलती थी, अभी वो लोन लिमिट बढ़ा के 20 लाख तक की लोन मिलेगी। बराबर ना। ओके। वो ध्यान में रखना है। और उसके अलावा 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में, ये इस साल के बजट में बोला गया है। और उसके अलावा रेंटल हाउसिंग विद द डॉर्मिटरी टाइप अकोमोडेशन फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन द PPP मोड विद द VGF सपोर्ट। अभी देखो ये क्या कह रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक प्रोजेक्ट जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चल रहा है और वो प्रोजेक्ट के अंडर में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वो वर्कर्स के लिए एक रेंटल हाउसिंग फैसिलिटी भी वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक हाईवे बनाया जा रहा है, अब वो हाईवे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से बनाया जा रहा है, मतलब एक गवर्नमेंट का काम है लेकिन काम कोई प्राइवेट कंपनी कर रही है, तो वो जो रोड बनाने के लिए जितने भी वर्कर्स को हायर किया गया है उनको एक रेंटल हाउसिंग सुविधा प्रोवाइड की जाएगी उस पर्टिकुलर जॉब लोकेशन के ऊपर, ताकि हाँ ताकि उनकी सेफ्टी मेंटेन रह सके। बराबर ना। ओके। और ये जो पैसा है उसके लिए बराबर ना, वो वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। बराबर आपका ये भी होमवर्क रहेगा, व्हाट इज अ वायबिलिटी गैप फंडिंग। बराबर ना। ओके। उसके अलावा इस साल के बजट के अंदर कुछ इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए हैं
जैसे कि 50 फूड इरेडिएशन यूनिट्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे, 100 फूड क्वालिटी लैब्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे, बराबर। तो इस तरीके से एमएसएमईज के ऊपर फोकस किया गया है इस साल के बजट के अंदर, बराबर ना। ओके राइट। और गवर्नमेंट की नेक्स्ट फिफ्थ प्रायोरिटी है फ्रेंड्स अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट के पीछे भी गवर्नमेंट ने अच्छा फोकस किया है, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। ओके, गवर्नमेंट ने बोला है कि इंकरेजिंग द स्टेट्स टू लोअर द स्टैम्प ड्यूटीज फॉर प्रॉपर्टीज परचेज बाय द वूमेन। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस साल के बजट के अंदर स्टेट्स को इंकरेज किया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी वुमेन के नाम से कोई प्रॉपर्टी परचेज की जा रही है तो वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी को मिनिमम से मिनिमम कलेक्ट किया जाए, बराबर ना। ओके, उसके अलावा स्ट्रीट मार्केट्स को डेवलप करने की बात चली है, बराबर ना। टोटल 100 100 स्ट्रीट मार्केट्स वीकली हेड्स डेवलप करने हैं गवर्नमेंट को इस साल, बराबर ना। अभी देखो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम पे पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च की गई थी, पीएम स्वनिधि जिसको हम बोलते हैं पीएम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम। ये पीएम स्वनिधि स्कीम के अंडर में कोविड के अंदर क्या किया गया था फ्रेंड्स, तो जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं बराबर उनको रजिस्टर किया गया था और उनको साल के अंदर 12,000 की लोन प्रोवाइड की गई थी। कितना कितना हजार की? 12,000 की लोन। लेकिन ये स्कीम का बेनिफिट क्या हुआ कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं ना वो रजिस्टर्ड हो गए, बराबर ना। वो रजिस्टर्ड हो गए, गवर्नमेंट के पास उनका डेटा आ गया सिंपल। तो अभी ये स्ट्रीट वेंडर का डेटा उनके पास आ गया, अभी गवर्नमेंट का प्लानिंग क्या है कि 100 वीकली हार्ट्स ऐसे डेवलप किए जाए। अभी हार्ट्स का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी जगह जैसे वहां पे हर एक टाइप के स्ट्रीट वेंडर्स अपने अपने फूड को यहाँ पे सेल कर पाएंगे, मतलब आप बोल सकते हो एक चौपाटी टाइप की जगह, बराबर ना। तो यहाँ पे 100 हार्ट्स जो गवर्नमेंट के द्वारा रन होगी, गवर्नमेंट के द्वारा जगह प्रोवाइड की जाएगी, वहां पे स्ट्रीट वेंडर को आप आके अपनी चीजों को बेचना है, बराबर ना। तो यहाँ पे इस जैसे चौपाटी टाइप की जो जगह है वो गवर्नमेंट जगह प्रोवाइड करवाएगी और स्ट्रीट वेंडर्स वहाँ पे अपनी चीजों को बेच पाएंगे। तो ऐसे 100 हार्ट्स को डेवलप करना है इस साल, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। ओके चलो, उसके अलावा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान फॉर 14 लार्ज सिटीज विद अ पॉपुलेशन अबोव 30 लाख। तो जहाँ पे जो 14 लार्ज लार्ज सिटीज है जहाँ पे 30 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन ओरिएंटेड डेवलपमेंट भी करना है गवर्नमेंट को इस साल, वो भी एक प्रायोरिटी यहाँ पे सेट की गई है, बराबर। उसके अलावा वाटर मैनेजमेंट के ऊपर भी प्रायोरिटी दी गई है कि प्रमोट द वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स एंड सर्विस फॉर द 100 लार्ज सिटीज थ्रू द बैंकेबल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे टोटल 100 लार्ज सिटीज को सिलेक्ट किया गया है जहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा ये 100 लार्ज सिटीज के अंदर, बराबर ना। 14 लार्ज सिटीज जहाँ पे 30 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट करना है, 100 वीकली हेड्स डेवलप करने हैं, और उसके अलावा स्टेट्स को इंकरेज किया गया है कि आप स्टैम्प ड्यूटी को क्या करो, कम करो अगर कोई प्रॉपर्टी वुमेन के नाम से परचेज करता है उसके ऊपर। उसके अलावा जो हाउसिंग नीड्स है जो पुअर पीपल की, जो मिडिल क्लास पीपल की, उनको यहाँ पे और फुलफिल करना है, और इसके लिए पीएम आवास योजना 2.0 लॉन्च किया गया है। ये पीएम आवास योजना 2.0 के अंदर 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिली को ये अकोमोडेशन के लिए यहाँ पे सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर क्या मिलेगा, फ्लैट मिलेगा, और इसके लिए गवर्नमेंट ने 10 लाख करोड़ रुपया अलोकेट किया है। कितना? 10 लाख करोड़ रुपया, बराबर ना। राइट, ध्यान में रखना है कि पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के अंदर जो 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिली है उनको एड्रेस किया जाएगा, उनके लिए यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस पे हाउस बनाने हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने टोटल 10 लाख करोड़ रुपया 5 साल के लिए पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के पीछे खर्च किया है, मतलब खर्च करने का प्लानिंग किया है, और हर साल 2.2 लाख करोड़ रुपया अलोकेट किया है इस स्कीम के पीछे, बराबर ध्यान में रखना है। ओके राइट, तो किस तरीके से प्रायोरिटी 5 अर्बन डेवलपमेंट के पीछे गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है, आपको समझ आया फ्रेंड्स? ओके चल, गवर्नमेंट की 6th प्रायोरिटी है फ्रेंड्स एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर। एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर का मतलब क्या हो गया कि एनर्जी को सेव करना है, कार्बन एमिशन के ऊपर काम करना है, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो एक्चुअली न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर इस बार ज़्यादा फोकस किया गया है कि अगर कोई कंपनी भारत स्मॉल रिएक्टर एस्टेब्लिश करना चाहती है, बड़े बड़े रिएक्टर्स नहीं, स्मॉल रिएक्टर्स अगर एस्टेब्लिश करना चाहती है तो गवर्नमेंट उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। अगर कोई कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के ऊपर, तभी भी गवर्नमेंट उसको
फाइनेंशियल और टेक्निकल मदद करेगी, राइट ना। उसके अलावा अगर कोई एमएसएमई कंपनी अपने प्रोजेक्ट को ट्रांसमिट करना चाहती है, ट्रांजिट करना चाहती है क्लीनर फॉर्म ऑफ द एनर्जी के अंदर, तो गवर्नमेंट उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ओके, उसके अलावा एनर्जी ऑडिट करवाने में मदद करेगी गवर्नमेंट 60 क्लस्टर्स के अंदर, और ये जो टारगेट है वो नेक्स्ट फेज में 100 क्लस्टर्स तक बढ़ाया जाएगा, सिंपल बराबर ना। तो अल्टीमेटली एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया गया है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना जो लास्ट ईयर लॉन्च की गई थी मिड 2023 के अंदर, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना के अंडर में रूफटॉप सोलर प्लांट एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं हाउस होल्ड्स के ऊपर, राइट ना। और यहाँ पे इस सोलर प्लांट के माध्यम से अगर कोई पर्टिकुलर हाउस होल्ड पर मंथ 300 यूनिट तक अगर वो कंज्यूम करता है तो उसको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने की जरूरत नहीं है, राइट ना। ओके, और जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, और ये जो योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो लास्ट ईयर लॉन्च की गई थी, उस मतलब ये एक्चुअली ऑलरेडी गवर्नमेंट सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर सोलर रूफटॉप प्लांट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन लास्ट ईयर इस योजना के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए थे और बोला गया था कि अगर एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड 1 महीने के अंदर 300 यूनिट तक कंज्यूम करता है सोलर रूफटॉप प्लांट के माध्यम से, तब उसको तब तक उसको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे जो सोलर प्लांट्स हैं वो 1 करोड़ हाउस होल्ड के ऊपर लगाने का प्लान है, वो इस बजट का मेन फोकस रहा है एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर अगर हम बात करें तो, राइट ना। ओके, चलो प्रायोरिटी 7 दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, बराबर ना। गवर्नमेंट ने टोटल 11,11,111 करोड़ इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च किए हैं, जो जीडीपी के हमारे 3.4% है। ध्यान में रखना है जीडीपी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इस बार गवर्नमेंट के द्वारा अलोकेट किया गया है, राइट। और उसके अलावा 1.5 लाख करोड़ स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया है एज अ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन टू सपोर्ट द रिसोर्स एलोकेशन। स्टेट गवर्नमेंट को अपने लोकल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1.5 लाख करोड़ का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन, जिसको हम बोलते हैं ग्रांट, बराबर ना, देने की बात की गई है। और उसके अलावा जो फेज 4 है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, इसको लॉन्च किया जाएगा इस साल टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू द 25,000 रूरल हैबिटेशंस। तो ये 3 चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें। टोटल अलोकेशन 11,11,111 करोड़ सभी मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, टोटल 3.4% ऑफ जीडीपी। 1.5 लाख करोड़ स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया है एज अ ग्रांट टू सपोर्ट द रिसोर्स एलोकेशन, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 4 को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ पैसा एलोकेट किया गया है। टोटल 25,000 रूरल हैबिटेशन को ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 4 लॉन्च करना है, राइट। ओके, उसके अलावा इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इरिगेशन और फ्लड मिटिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा कौन से स्टेट को, तो बिहार को 11,500 करोड़ रुपया प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द कोसी मेची इंटर स्टेट लिंक एंड 20 अदर ऑनगोइंग एंड न्यू स्कीम्स के लिए। तो बिहार, जैसे मैं आपको शुरुआत में बात किया था कि बिहार और आंध्र प्रदेश ने इस बार बीजेपी को हेल्प की है सरकार बनाने में, तो इसके लिए उनको अलग से लोकेशन मिला है। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का लोकेशन मिला था, बिहार को 11,500 करोड़ का लोकेशन मिला है इसका इस साल के बजट के अंदर फॉर द इरीगेशन पर्पज से, बराबर ना। ओके, और उसके अलावा फ्लड मैनेजमेंट और उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए आसाम, सिक्किम और उत्तराखंड को भी यहाँ पे कुछ असिस्टेंस मिला है, बराबर ना। ओके, राइट। और अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर टूरिज्म सेक्टर को भी काउंट किया गया है कि भाई टूरिज्म भी हमको डेवलप करना है, और ऐसे जगह पे टूरिज्म डेवलप करना है जो अभी तक बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए हैं, वहाँ पे टूरिज्म को डेवलप करना है ताकि वहाँ की इकोनॉमी डेवलप हो सके, सिंपल बराबर ना। तो इसलिए विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर लॉन्च किए जाएंगे, जैसे काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर बनाया है उसी तरीके से विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, राइट। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द राजगीर, ये जो राजगीर ये जो जगह है
ये जो जगह है वो रिलीजियस सिग्निफिकेंस होल्ड करती है फॉर द हिंदूज, बुद्धिस्ट और जैन्स के लिए, तो उसको भी डेवलप करने की बात चली है, बराबर ना। उसके अलावा नालंदा, जो हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसको एक टूरिस्ट सेंटर बनाने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए यहाँ पे बात बात की गई है इस साल के बजट के अंदर। और ओडिशा, ओडिशा के अंदर आपको पता होगा इस बार बीजेपी आया है फ्रेंड्स, और इसके लिए ओडिशा को भी एक अलग से बजट एलोकेशन मिला है, तो ओडिशा को भी यहाँ पे असिस्टेंस मिलेगा फॉर द उसके जो टेम्पल्स है, मॉन्यूमेंट्स है, क्राफ्टमैनशिप है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, उसको फिर से रीडेवलप करने के लिए यहाँ पे अलग से एलोकेशन मिलेगा, बराबर ना। ओके, तो टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए, टूरिज्म को डेवलप करने के लिए इस बार ज़्यादा फोकस किया गया है, पर्टिकुलरली जो ओडिशा है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, राजगीर जो ओके, तो इस बार टूरिज्म सेक्टर के ऊपर भी ज़्यादा फोकस किया गया है, एक पर्टिकुलर लोकेशन लाइक ओडिशा, फिर नालंदा यूनिवर्सिटी, राजगीर, बराबर। और ये कुछ टेम्पल कॉरिडोर्स बनाने हैं ताकि और ज़्यादा वहाँ पे इकोनॉमी डेवलपमेंट हो सके, सिंपल, बराबर ना। प्रायोरिटी 8 दी गई है इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर, बराबर ना। तो इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट की अगर बात करें, तो अनुसूदन नेशनल रिसर्च फंड यहाँ पे ऑपरेशनलाइज करने की बात की गई है। अनुसूदन नेशनल रिसर्च फंड, ये जो फंड के अंदर जो पैसा कलेक्ट किया जाएगा, वो जो पैसा है वो बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा, बराबर ना। याद रखना है, अनुसूदन नेशनल रिसर्च फंड यहाँ पे ऑपरेशनलाइज करने की बात की है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे जो भी पैसा कलेक्ट किया जाएगा वो बेसिक रिसर्च और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा, राइट। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन एट द कॉमर्शियल स्केल विद द फाइनेंसिंग पूल ऑफ ₹1 लाख करोड़। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी रिसर्च को डेवलप करने के लिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ₹1 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है, और स्पेस सेक्टर के अंदर वेंचर कैपिटल फंड बनाया है ₹1,000 करोड़ का। स्पेस सेक्टर के अंदर इनोवेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया है ₹1,000 करोड़ का, बराबर ना। ओके, तो इसको भी ऑपरेशनलाइज करना है, याद रखना है, अनुसूदन नेशनल रिसर्च फंड, रिसर्च डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, और एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया है ₹1,000 करोड़ का, स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, सिंपल, बराबर ना। ओके राइट, और ओके, प्रायोरिटी 9 की अगर बात करूँ, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने के द्वारा ऐसा बोला गया है कि एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या तो फिर भू आधार फॉर ऑल लैंड्स, कि हर एक जो लैंड होल्डर्स हैं उसको एक भू आधार दिया जाएगा। जैसे हमारा हर एक व्यक्ति का कैसा आधार कार्ड होता है, उसी तरीके से हर एक लैंड होल्डर को एक भू आधार दिया जाएगा, ताकि उसका उसकी एक डॉक्यूमेंट रहे, एक सिंगल डॉक्यूमेंट रहे कि हाँ ये जमीन का मालिक वो है, सिंपल, बराबर ना। ओके, उसके अलावा सर्वे ऑफ मैप सब डिविजन एज पर द करंट ओनरशिप, बराबर ना। ओके, तो करंट ओनरशिप के हिसाब से ये भू आधार दिया जाएगा, लिंकेज टू द फार्मर्स रजिस्ट्रीज, और ये जो भू आधार है उसको लिंक करना है फार्मर्स रजिस्ट्रीज के साथ। जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मेन मुद्दा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे, ताकि फार्मर्स के सारी जो लैंड होल्डिंग है वो एक एक प्रॉपर एक उसका आईडी कार्ड बन सके, सिंपल, बराबर ना। ओके, लैंड रिकॉर्ड्स इन द अर्बन एरियाज विल बी डिटेच विद जीआईएस मैपिंग, डिटेशन ऑफ द कैडेस्ट्रियल मैप्स और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लैंड रजिस्ट्री, बराबर ना। तो अल्टीमेटली रूरल एंड अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शंस लिए जाएंगे ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के अंदर, बराबर ना। ओके, अल्टीमेटली जितने भी लैंड होल्डर्स हैं उनकी जो लैंड का रिकॉर्ड है एक पर्टिकुलर आईडी कार्ड में उसको कन्वर्ट करना है, सिंपल, बराबर ना। ओके, उसके अलावा क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर टैक्सोमोनी टैक्सोनॉमी लगाई जाएगी, मतलब कि ये जो टैक्स लगाई जाएगी, फॉर एग्जाम्पल जो ज्यादा कार्बन एमिशन क्रिएट कर रहा है, बराबर, जो प्रोडक्ट, तो उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाएंगे, बराबर ना। ओके, ताकि जहाँ से जो एक्स्ट्रा पैसा जो अलोकेट होगा, जो एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट होगा, वो हम लगाएंगे एज अ कैपिटल फॉर द क्लाइमेट एडॉप्शन एंड मिटिगेशन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के अंदर, बराबर ना। ओके, उसके अलावा एफडीआई एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। एफडीआई के जो नॉर्म्स है वो सिंप्लीफाइड किए गए हैं, ताकि ज्यादा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो पाए, बराबर ना। ओके, और उसके अलावा प्रमोट करना है अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूजिंग द इंडियन रूपी एज अ करेंसी फॉर द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, बराबर ना। तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, अगर फॉर एग्जाम्पल बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आता है, तो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आता है वो इंडियन रूपी के अंदर
फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट आता है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आता है, वो इंडियन रूपी के अंदर हो, ऐसा हमको प्रमोट करना है, ताकि मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट का खर्चा मतलब प्योर रूपी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो पाए, हमको डॉलर और रूपी को एक्सचेंज ना करना पड़े, बराबर ना। उसके अलावा एनपीएस वात्सल्य लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स, नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य स्कीम। यहाँ पे पेरेंट्स और गार्डियंस अपने माइनर्स के लिए पेंशन प्लान कर सकते हैं, बराबर ना। तो यहाँ पे पेरेंट्स और गार्डियंस इस स्कीम के अंडर में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बराबर ना। अपने माइनर्स के लिए सिंपल। और उसके अलावा इम्प्रूवमेंट ऑफ द डेटा गवर्नेंस कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द डेटा एंड स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम किया जाएगा, बराबर ना। और न्यू पेंशन स्कीम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे, बराबर ना। बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाओ, बराबर ना, जहाँ पे एक पर्टिकुलर कर्मचारी को रिटायर होने के बाद जितना भी उसका लास्ट सैलरी था उसका 50% पेंशन मिलता था लाइफ टाइम, तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम था। और उसके बाद 2004 से न्यू पेंशन स्कीम इंप्लीमेंट हो रहा है, लेकिन बहुत सारे प्रोटेस्ट ऐसे चल रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाएं, तो गवर्नमेंट ने क्लियरली ना बोला है कि हम न्यू पेंशन स्कीम के अंदर ही कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम से गवर्नमेंट का बर्डन बढ़ रहा है, बराबर ना। और वो सही भी बात है फ्रेंड्स, बराबर ना। चलो, तो ये समझ में आया। तो किस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के ऊपर प्रायोरिटी दी गई है, खास करके लैंड रिकॉर्ड्स के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी की गई है, बराबर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, बराबर ना। और ये एनपीएस वात्सल्य, तो ये जो नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य है, इस मुद्दे को हम करंट अफेयर्स के लेक्चर के अंदर अलग से डिस्कस करेंगे, राइट ना। चलो, अगर मैं कुछ अदर हाईलाइट्स की बात करूं बजट की, तो कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया गया है, लाइक इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क। द गवर्नमेंट में फॉर्मुलेट एन इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क टू गाइड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स फॉर इनहेंसिंग द एम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट एक इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च करने की बात कर रहा है, एक फ्रेमवर्क के माध्यम से गवर्नमेंट गाइड करना चाहता है किस तरीके से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम रिफॉर्म्स ले सकते हैं और किस तरीके से हम इम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं, बराबर ना। तो एक फ्रेमवर्क लॉन्च करने का प्लान चल रहा है इस साल के बजट के अंदर। और उसके अलावा लेबर रिलेटेड रिफॉर्म्स भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ लॉन्च करने का प्लान किया है, कि इम्प्लीमेंटिंग द कॉम्प्रिहेंसिव लेबर रिफॉर्म्स थ्रू द इंटीग्रेटेड पोर्टल्स लाइक ई श्रम पोर्टल, श्रम सुविधा एंड समाधान पोर्टल्स। तो ये ई श्रम पोर्टल, श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल, ये तीनों तीन जो पोर्टल है ना फ्रेंड्स, वो लेबर लेबर के लिए है, एक पर्टिकुलर लेबर के लिए है। तो ये तीनों तीन पोर्टल को इंटीग्रेट करने की बात चल रही है, बराबर ना। ताकि इसकी जो रिकॉर्ड्स है, बराबर, उसको हम इंटीग्रेट करके और ज्यादा कन्वीनियंटली सर्विस प्रोवाइड कर सके लेबर्स को, राइट मैम। गवर्नमेंट विल कम अप विद द टैक्सोनॉमी फॉर द क्लाइमेट फाइनेंस फॉर इनहेंसिंग द अबिलिटी ऑफ द कैपिटल फॉर द क्लाइमेट एडेप्शन एंड मिटिगेशन। जैसे मैंने बात की, गवर्नमेंट एक टैक्सोनॉमी ला रहा है कि क्लाइमेट फाइनेंस, फॉर एग्जाम्पल, जो प्रोडक्ट जो ज्यादा कार्बन एमिशन क्रिएट करता है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, और जो एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट होता है उसको उसी को हम क्लाइमेट एडेप्शन और मिटिगेशन में लगाएंगे, सिंपल, बराबर ना। राइट। तो ये तो हमने बात की फ्रेंड्स, टोटल 9 प्रायोरिटी जो बजट के अंदर इस बार सेट की गई थी। एक विकसित भारत तक हमको अगर आगे बढ़ना है तो ये 9 प्रायोरिटीज के ऊपर काम करना है। तो कौन कौन सी 9 प्रायोरिटी है, एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई थी प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना है और रेजिलियंस बढ़ाना है। सेकंड प्रायोरिटी, इम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के ऊपर फोकस किया गया था। टोटल 5 पीएम पैकेज की स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसमें से 3 इम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव थे। और उसके अलावा थर्ड प्रायोरिटी है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस के ऊपर फोकस किया था, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। फोर्थ प्रायोरिटी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंदर, उसमें भी खास करके एमएसएमई सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। फिफ्थ प्रायोरिटी, अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया है, स्ट्रीट मार्केट बनाने की बात की गई थी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट करने की बात की गई थी, 100 मेजर सिटी के अंदर वाटर मैनेजमेंट करने की बात की गई थी, स्टैम्प ड्यूटी को कम कर रहा है वुमेन होल्डिंग प्रॉपर्टीज के ऊपर, और पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 लॉन्च किया है, 5 साल के लिए 10 लाख करोड़ रुपया अलोकेट किया है। ये प्रायोरिटी नंबर 5 था। प्रायोरिटी नंबर 6 के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर बात की गई है, और एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर खास करके जो ये पीएम सूर्य
घर मुफ्त बिजली योजना जो लास्ट ईयर मिड 2023 में लॉन्च किया था उसको और अच्छे से इंप्लीमेंट करने की बात की गई है, बराबर ना, और एनर्जी ऑडिट के ऊपर फोकस किया गया है। ओके राइट। प्रायोरिटी 7 के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया है, सबसे ज्यादा अलोकेशन 3.4% ऑफ GDP इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इस बार अलोकेट किया है गवर्नमेंट के द्वारा। 1.5 लाख करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, बराबर ना, और ग्राम सड़क योजना को उसके फेज 4 को अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, वो गवर्नमेंट का टारगेट है। ओके, उसके अलावा प्रायोरिटी 8 के अंदर अगर बात करें तो इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस किया गया है, अनुसूतन नेशनल रिसर्च फंड डेवलप करने की बात की गई है, वेंचर कैपिटल फंड स्पेस इकोनॉमी के लिए डेवलप करने की बात की गई है, बराबर ना। ओके, और प्रायोरिटी नंबर 9 के अंदर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के अंदर खास करके लैंड रिकॉर्ड के ऊपर बात किया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को सिंप्लीफाइड करने की बात की है, और ओल्ड पेंशन स्कीम को वापिस नहीं लाने की बात की है, बराबर ना। ओके, तो ये सब चीजों का आपको ध्यान में रख। ओके, तो ये टोटल 9 प्रायोरिटी आपने अच्छे समझ ली होगी फ्रेंड्स। अभी बात करते हैं टैक्स प्रपोजल्स के बारे में। ओके, अगर मैं टैक्स प्रपोजल्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो सिंप्लीफिकेशन इन द टैक्सेस, टैक्सेस के अंदर कुछ सिंप्लीफिकेशन लाने की बात की है गवर्नमेंट के द्वारा, और उसमें सबसे पहला स्टेप गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि वो रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिव्यू करेगा, और सिंप्लीफिकेशन ऑफ चैरिटीज एंड जो टैक्स डिडक्शन एक्ट सोर्स जो कट रहा है अभी उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन करने की बात चल रही है, और लिटिगेशन एंड अपील के ऊपर काम किया जाएगा, और जो टैक्स बेस है और उसको और डीपन करना है। टैक्स बेस को डीपन करने का मतलब क्या हो गया कि हमारे हमारे वहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि जो इनकम टैक्स पे करने वाले लोग बहुत कम है, राइट, जनता टोटल 140 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, लेकिन उसमें से इनकम टैक्स पे करने वाले लोग बहुत कम है, बिकॉज हमारा टैक्स बेस बहुत छोटा है, राइट। तो ये टैक्स बेस को बढ़ाने की बात की गई है, बराबर, मतलब ज्यादा लोग इनकम टैक्स पे करें ऐसा स्टेप लिया जाएगा इस साल के बजट के अंदर, ऐसा मतलब इस साल के फाइनेंशियल ईयर के अंदर, बराबर, ध्यान में रखना है। ओके, तो ऐसा गवर्नमेंट कुछ नया कुछ टैक्स रिफॉर्म लाएगा ताकि हमारा जो टैक्स बेस है वो ज्यादा डीप हो जाए, ज्यादा बड़ा हो जाए। ओके राइट। उसके अलावा कस्टम ड्यूटी के कुछ प्रपोजल्स रखे गए हैं, सेक्टर स्पेसिफिक कस्टम ड्यूटी के प्रपोजल्स यहाँ पे गवर्नमेंट की तरह कुछ मॉडिफाइड किए गए हैं, उसके बारे में बात करते हैं, थोड़े इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं कुछ इंपोर्टेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं अगर मैं उसके बारे में बात करूँ, तो 3 और कैंसर मेडिसिन को कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब हम उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत इजीली कर सकते हैं, बराबर ना। ओके, उसके अलावा बेसिक कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया है मोबाइल फोन के ऊपर, बराबर ना, और रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है 15%, तो ये मोबाइल फोन को और सस्ता बनाएगा, बराबर। ओके, उसके अलावा जो कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया है ऑन गोल्ड एंड सिल्वर 2.6% एंड प्लेटिनम 2.6.4%, तो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगती है वो भी उसको भी रिड्यूस किया गया है, और बेसिक कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया ऑन द श्रीम एंड फिश फिश फीड टू 5%। जैसे मैंने आपको बात किया कि इस साल के बजट के अंदर सीम के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, इसके उसका एक और स्टेप भी है कि भाई वहाँ पे कस्टम ड्यूटी कम कर दिया गया ताकि लोग ज्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सके, बराबर ना। ओके, और उसके अलावा कैपिटल गुड्स को एग्जेम्प्ट किया गया है, और कैपिटल गुड्स को एग्जेम्प्ट किया गया, सभी कैपिटल गुड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, और कैपिटल गुड्स को एग्जेम्प्ट किया गया है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोलर सेल्स एंड पैनल्स के अंदर। कैपिटल गुड्स किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, कि ऐसे गुड्स के जो एक पर्टिकुलर चीज को बनाने में मदद होते हैं, ऐसे गुड्स जो एक पर्टिकुलर चीज को बनाने में हेल्प करते हैं, आप उसको बोल सकते हैं रॉ मटेरियल्स, बराबर। तो रॉ मटेरियल्स बनाने के लिए जो गुड्स की रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स, बराबर ना। तो सोलर सेल्स और पैनल्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, ऐसे कैपिटल गुड्स के ऊपर और ज्यादा एग्जेम्पशन मिला है कस्टम ड्यूटी के अंदर, बराबर ना, और फुल्ली एग्जेम्प्ट कस्टम ड्यूटीज ऑन 25 क्रिटिकल मिनरल्स, बराबर ना। ओके, तो ये कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर, कुछ सेक्टर के अंदर कस्टम ड्यूटी के अंदर कुछ छूट दी गई है ताकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ सके, सिंपल, बराबर ना। ओके, और अगर मैं डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल की बात करूँ, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, अभी देखो फ्रेंड्स, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो पैसा सिटीजन के जेब में से डायरेक्टली कटता है, और जो टैक्स सिटीजन के जेब में से डायरेक्टली कट के गवर्नमेंट के पास जाता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे एक व्यक्ति गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स नहीं देता, वो कोई थर्ड पर्सन के माध्यम से देता है, फॉर एग्जाम्पल GST, आप कोई बिस्किट परचेस करते हो तो उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल चलो 12% GST लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल, बराबर ना। ओके, तो ये जो 12% GST आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हो, आप दुकान वाले को पे कर रहे हो, फिर दुकान वाला वो GST का पैसा गवर्नमेंट को पे करेगा, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो सिंपल भाषा में डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, जो पैसा
एक व्यक्ति गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करता है उसको डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। जो पैसा एक व्यक्ति कोई तीसरे व्यक्ति के माध्यम से गवर्नमेंट को पे करता है उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर कुछ प्रपोजल्स रखे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। वो अगर मैं कुछ इंपोर्टेंट प्रपोजल्स की बात करूँ तो गवर्नमेंट के द्वारा इस बार जो कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई प्रॉपर्टी 1,000 रुपये में ली थी और मैंने उस प्रॉपर्टी को 1,500 रुपये में बेची, तो मुझे कैपिटल गेन कितना हुआ फ्रेंड्स, 500 रुपये का कैपिटल गेन हुआ। अब ये कैपिटल गेन दो टाइप के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो सकता है और लॉन्ग टर्म हो सकता है, बराबर ना। शॉर्ट टर्म हो सकता है और लॉन्ग टर्म हो सकता है, बराबर, ओके। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि जितनी भी शॉर्ट टर्म गेन्स है, लेकिन कैसे, फाइनेंशियल एसेट्स के, लाइक शेयर मार्केट के, बराबर ना, ओके। लाइक आपने कोई जगह पे एफडी के अंदर फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट किया है, जितने भी शॉर्ट टर्म गेन्स है और फाइनेंशियल एसेट्स, टू अट्रैक्ट 20% टैक्स रेट, तो उसके ऊपर कितना परसेंट टैक्स रेट लगाया जाएगा, 20%, ध्यान में रखना है, ओके। जितने भी लॉन्ग टर्म गेन्स है ऑन ऑल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, टू अट्रैक्ट अ टैक्स रेट ऑफ 12.5%। तो फाइनेंशियल एसेट में शेयर मार्केट आ गया, नॉन फाइनेंशियल एसेट में आपकी फॉर एग्जाम्पल घर जो आपकी प्रॉपर्टी है वो दोनों आ गए। तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट के अंदर अगर आपको लॉन्ग टर्म गेन होता है तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 12.5%, ध्यान में रखना है। और ये जब ये दोनों टैक्स आपको कब पे करने पड़ेगा, जब आपको 1 साल के अंदर 1.25 लाख से ज्यादा अगर आपको गेन होता है तभी आपको पे करना है। अगर 1.25 लाख से कम गेन होता है तब ये सब टैक्स प्रपोजल्स आपके काम के नहीं है, बराबर ना। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर साल के अंदर, पर ईयर के अंदर 1.25 लाख का, 1.25 लाख से ज्यादा अगर गेन हो रहा है तभी आपको ये सब टैक्स पे करना है, वरना ये टैक्स पे नहीं करना है, सिंपल, बराबर ना, ओके, राइट। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन किए गए वो आपको पता चला। शॉर्ट टर्म के लिए 20% टैक्स पे करना है, लॉन्ग टर्म के लिए 12.5%, लेकिन ये कब पे करना है, जब आपका गेन कितना हो पर ईयर का, 1.25 लाख से ज्यादा हो तभी, बराबर ना, ओके, चल। उसके अलावा जो एंजल टैक्स है उसको अबोलिश किया गया है। एंजल टैक्स का मतलब क्या होता है, आपने नाम सुना होगा फ्रेंड्स, एंजल इन्वेस्टर्स का, एंजल इन्वेस्टर्स का नाम सुना होगा फ्रेंड्स। एंजल इन्वेस्टर्स किसको बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टार्टअप है, कोई एक स्टार्टअप है, बराबर, ये स्टार्टअप के अंदर एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, वो स्टार्टअप को रन नहीं करवाता, लेकिन जस्ट उसने एज अ स्लीपिंग पार्टनर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऐसे इन्वेस्टर को बोलेंगे एंजल इन्वेस्टर्स, बराबर, जो नॉर्मली बहुत मिलीनियर्स होते हैं, राइट ना, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, एक स्पेस सेक्टर की एक कंपनी है, उसके अंदर एमएस धोनी ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, बराबर ना। एमएस धोनी ने एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी है एक्चुअली, बराबर। तो ये एमएस धोनी वो कंपनी के लिए क्या हो गए, एंजल इन्वेस्टर बन गया, तो उनको भी टैक्स पे करना पड़ता था वो कंपनी के प्रॉफिट में से, जिसको बोलते थे एंजल टैक्स। वो एंजल टैक्स को अभी अबोलिश किया गया है ताकि और ज्यादा एंजल इन्वेस्टर स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर सके, बराबर ना, ओके। उसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑन द फॉरेन कंपनीज रिड्यूस फ्रॉम 40% टू 30%। जो फॉरेन कंपनीज हैं अगर वो इंडिया में कोई बिजनेस करती है तो उसके ऊपर उनको कॉर्पोरेट टैक्स पे करना था, करना पड़ता था, कितना परसेंट, 40%, लेकिन अभी उसको रिड्यूस करके कितना परसेंट कर दिया है, 35%, ध्यान में रखना है, ताकि और ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनीज और ज्यादा फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आके बिजनेस कर सके, बराबर ना, ओके, चलो। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म लिया गया है हमारे जो नया टैक्स रिग्मी है उसके अंदर। आपको पता होगा फ्रेंड्स, हमारा जो इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं वो अभी दो रिगमी में चल रहे हैं, एक तो ओल्ड रिगमी है और एक नया रिगमी है, बराबर, ओल्ड टैक्स रिगमी और न्यू टैक्स रिगमी, बराबर ना, ओके। तो ये जो रिफॉर्म्स लिए गए ना वो न्यू टैक्स रिगमी के अंदर है, बराबर ना, ओके। तो अभी देखो, न्यू टैक्स रिगमी का अगर मैं स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इनकम पर ईयर 0 से 3 लाख के बीच में है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। अगर आपको 3 से 7 लाख के बीच में आपकी इनकम है तो आपको कितना परसेंट टैक्स पे करना है, 5%। अगर आपकी इनकम 7 से 10 लाख के बीच में तो आपको कितना परसेंट टैक्स पे करना है, 10%। अगर आपकी इनकम 10 से 12 लाख के बीच में तो आपको 15% टैक्स पे करना है, 12 से 15 लाख के बीच में तो आपको 20% टैक्स पे करना है, और 15 लाख से ज्यादा तो आपको 30% टैक्स पे करना है। उसके अलावा बहुत सारे सेज वगैरह लगते हैं, वो अलग है, बराबर ना, ओके। लेकिन अभी देखो यहाँ पे एक्चुअली जो नया, अगर कोई व्यक्ति नया टैक्स रिगमी को सिलेक्ट करता है, आपके पास ऑप्शन है कि आपको ओल्ड टैक्स रिगमी के हिसाब से टैक्स पे करना है कि न्यू टैक्स रिगमी के हिसाब से टैक्स पे करना है। अगर कोई व्यक्ति ने सिलेक्ट किया न्यू टैक्स रिगमी तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा कि अगर उसकी इनकम, देखो अगर उसकी इनकम 7 लाख, पहले क्या होता था लास्ट ईयर तक क्या था कि अगर उसकी इनकम
7 लाख तक की है, कितने तक की है, 7 लाख तक की, बराबर। तो उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ऐसा लिखा है कि 3 से 7 लाख के बीच में अगर उसकी इनकम है तो 5%। नहीं, अगर उसकी इनकम 7 लाख तक की है ना, तब तक उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। 7 लाख बेसिक इनकम। उसके अलावा लास्ट ईयर तक क्या था कि 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, लेकिन इस साल ये स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है। मतलब ये व्यक्ति अगर 7 लाख की जगह पे अगर उसकी इनकम 7,75,000 भी हो जाए ना, तभी भी उसको 1 रुपया भी टैक्स पे नहीं करना है। लास्ट ईयर क्या था कि 7 लाख की जगह पे अगर 7,50,000 इनकम हो जाए, तभी भी उसको 1 रुपया टैक्स पे नहीं करना होता था, लेकिन इस बार 25,000 लिमिट बढ़ा दी गई और 7,75,000 तक वो व्यक्ति को 1 भी रुपया टैक्स पे नहीं करना है। ओके, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है फ्रेंड, 75,000, ध्यान में रख। ओके चल, ये तो हो गई 7,75,000 की बात। लेकिन अगर कोई व्यक्ति की इनकम फॉर एग्जाम्पल 8 लाख रुपया है, कितनी है, 8 लाख रुपया, तो उसको अभी कैसे टैक्स पे करना होगा? तो उसको शुरुआत के 0 से 3 लाख के बीच में तो 0 रुपया टैक्स पे करना है। फिर 3 से 7 लाख के बीच में जो 4 लाख का ये जो गैप है, ये 4 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 5%। 4 लाख का 5% मतलब हो गया 20,000। तो ये अगर कोई व्यक्ति की इनकम 8 लाख रुपया है, तो शुरुआत के 0 से 3 लाख के ऊपर उसको 0 रुपया टैक्स, फिर 3 से 7 लाख, 3 से 7 लाख मतलब ये जो 4 लाख का जो रेंज है उसके ऊपर 5% मतलब 20,000 रुपया टैक्स, और अभी उसके ऊपर और 1 लाख बचा, तो ये 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 10%। तो 1 लाख के ऊपर 10% मतलब कितना हो गया, 10,000, मतलब टोटल मिला कितना थाउजेंड पे करना है, 30,000 पे करना है। कितना थाउजेंड पे करना है फ्रेंड्स, 30,000। तो ऐसे करके कैलकुलेशन होता है, बराबर ना। ओके, और ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो लिमिट है नया टैक्स रिमी के अंदर, 50,000 से कितना बढ़ाया गया है, 75,000, वो ध्यान में रखना है। ओके चलो, तो समझ में आया होगा आपको राइट, कैसे टैक्स की काउंटिंग होती है वो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति की इनकम 11 लाख है, तो 11 लाख है तो शुरुआत से 0 से 3 लाख के बीच में 0 रुपया टैक्स पे करना है। 3 से 7 लाख का जो 4 लाख का रेंज है उसमें 5%, 7 से 10 लाख के जो बीच में जो 3 लाख का रेंज है उसके ऊपर 10%, और 10 से 11 लाख के ऊपर जो 1 लाख का रेंज है उसके ऊपर 15%। ऐसे करके टैक्स का काउंटिंग होता है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, और ये जो नया मॉडिफिकेशन किया गया उसके अंदर एक पर्टिकुलर व्यक्ति की सेविंग्स होगी 17,500 रुपया तक की, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस टैक्स प्रपोजल में, डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में, और खास करके ये न्यू टैक्स रिटर्न के अंदर जो मॉडिफिकेशंस लाए गए हैं उसके अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके तो अभी तक हमने बजट की टोटल 9 प्रायोरिटीज देखी कि गवर्नमेंट ने किसके ऊपर फोकस किया है, उसके अलावा डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स देखे, किस तरीके से इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटीज के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, और अभी हम बात करते हैं गवर्नमेंट के रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर के बारे में, कि गवर्नमेंट का क्या एस्टिमेशन, क्योंकि अल्टीमेटली बजट का मेन डेफिनेशन ही वही है, इट इज़ अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करती है कि उसका जो पैसा रिसीव का मतलब उसका पैसा कहाँ से आएगा और उसका पैसा कहाँ पे जाएगा, वो गवर्नमेंट का प्लानिंग क्या है, उसी को हम बजट बोलते हैं फ्रेंड्स, बराबर ना। तो वो अभी हम देख लेते हैं राइट। तो एक्चुअली रिसीप्ट दो टाइप की होती है, रिसीप्ट का मतलब इनकम, रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट, बराबर ना। ओके, रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट का मतलब क्या हो गया, अभी अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ, गवर्नमेंट की ऐसी रिसीप्ट कि जहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और फिर भी पैसा आता है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया फिर भी पैसा आता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट। ये प्योर प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट का, प्योर प्रॉफिट होता है राइट ना। ओके, कैपिटल रिसीप्ट किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने है ना कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा है, गवर्नमेंट ने कुछ इन्वेस्टमेंट पहले करके रखा है, बराबर। ओके, और वो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा है, बराबर ना, तो इसको बोलते हैं कैपिटल रिसीप्ट, बराबर ना। ओके राइट, तो रेवेन्यू रिसीप्ट वो गवर्नमेंट का प्योर प्योर प्रॉफिट है, प्योर प्रॉफिट है, और कैपिटल रिसीप्ट वो गवर्नमेंट का प्योर प्रॉफिट नहीं है। ओके, अभी कैपिटल रिसीप्ट के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो दो टाइप से पैसा आ सकता है कैपिटल रिसीप्ट के अंदर गवर्नमेंट के पास, अपने एसेट को कम करके और अपनी लायबिलिटी को बढ़ा के, लायबिलिटी को बढ़ा के, ये दो टाइप से पैसा आ सकता है गवर्नमेंट के पास कैपिटल रिसीप्ट के अंदर, वो हम समझेंगे। पहले हम रेवेन्यू रिसीप्ट समझ लें। देखो रेवेन्यू रिसीप्ट मतलब गवर्नमेंट का प्योर प्रॉफिट कहाँ से आता है, ऐसा कौन सा रास्ता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ करता नहीं है फिर भी उसको पैसा मिलता है, तो रेवेन्यू रिसीप्ट से पैसा दो टाइप से आता है,
डायरेक्ट टैक्स, सॉरी टैक्स और नॉन टैक्स के माध्यम से, टैक्स और नॉन टैक्स के माध्यम से। टैक्स में और दो टाइप है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट को डायरेक्टली पैसा पे करती है टैक्स टैक्स का, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। लाइक इनकम टैक्स वो डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, जीएसटी, कि आप दुकानदार को जीएसटी का पैसा देते हो, फिर जीएसटी गवर्नमेंट को, फिर जीएसटी दुकानदार गवर्नमेंट को, दुकानदार पे करता है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, राइट ना। तो ये रेवेन्यू रिसीट के दो टाइप है, टैक्स और नॉन टैक्स। उसमें टैक्स में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट ने कुछ अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जस्ट ऑटोमेटिकली पैसा उसके पास आ रहा है, तो वो एक रेवेन्यू रिसीट का उदाहरण है। ओके, नॉन टैक्स का मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की कोई कंपनी है कि लाइक मान लेते हैं कि भेल, बराबर। ओके, ये भेल के द्वारा जो प्रॉफिट हुआ वो गवर्नमेंट का खुद का प्रॉफिट हो गया, राइट ना, कि क्योंकि वो गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी है, ओएनजीसी। ओएनजीसी का जो प्रॉफिट हुआ वो गवर्नमेंट का प्रॉफिट हो गया, बराबर। ओके, उसके अलावा जो गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल जो कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे का जो टिकट का कलेक्शन है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो गया, बराबर ना। तो ये सब रेवेन्यू रिसीट के उदाहरण है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके राइट, हाँ। और अगर मैं कैपिटल रिसीट की अगर बात करूँ कि यहाँ पे ऐसे ऐसे गवर्नमेंट का ऐसा रेवेन्यू कि जो गवर्नमेंट का एसेट को कम करता है और उसकी लाइबिलिटी को बढ़ाता है, बराबर ना। ओके, तो ये कैपिटल रिसीट, गवर्नमेंट का ऐसा पैसा कि जो उसके एसेट को कम करके या तो फिर उसकी लाइबिलिटी को बढ़ा के आया है। फॉर एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट ने कोई जगह से लोन लिया, लोन लिया तभी भी उसके पास पैसा आया, उसके पास पैसा आया, लेकिन लोन लिया तो उसकी लाइबिलिटी क्या बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। लाइबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। उसके अलावा गवर्नमेंट ने डिस इन्वेस्टमेंट किया, फॉर एग्जाम्पल डिस इन्वेस्टमेंट किया, डिस इन्वेस्टमेंट किया तो गवर्नमेंट का एसेट क्या हो गया, कम हो गया, और उसके पास पैसा आया लेकिन एसेट कम हो गया। तो ये सब जो पैसे होते हैं वो कैपिटल रिसीप्ट से आता है, बराबर ना। ओके, तो रेवेन्यू रिसीप्ट का मतलब गवर्नमेंट का प्योर प्रॉफिट, कैपिटल रिसीप्ट का मतलब गवर्नमेंट का ऐसा प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट तो नहीं बोल सकते, एक ऐसा पैसा गवर्नमेंट के पास, ऐसा पैसा आ रहा है कि जो या तो उसके एसेट को कम करके आया या तो फिर उसकी लाइबिलिटी को बढ़ा के आया, बराबर ना। तो ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ना वो 31.3 लाख करोड़ रुपया होने की संभावना है इस साल के बजट 2024-25 में, ऐसा एस्टिमेशन लगाया गया है, बराबर। आप देख सकते हो कि ओवर द ईयर से बढ़ रहा है, जो अच्छी बात है, बराबर ना। ओके, कैपिटल रिसीव इस बार 16.9 लाख करोड़ रुपया होने की संभावना है 2024-25 के अंदर, ऐसा ये बजट में बोला गया है, जो 2023-24 के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम है, ये भी एक अच्छी बात है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, लेकिन कैपिटल रिसीव कम होना चाहिए, रेवेन्यू रिसीव ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज कैपिटल रिसीव हमारी लाइबिलिटी को बढ़ाता है, एसेट को कम करता है, रेवेन्यू रिसीव एक प्योर प्रॉफिट है, बराबर ना। टोटल मिला के गवर्नमेंट ने क्या एस्टिमेशन लगाया है कि टोटल हमारा जो इनकम होगा, इनकम होगा वो हमारा अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो 31.3 और 16.9, 48 लाख करोड़ का इनकम होगा, 48 लाख करोड़ का इनकम होगा टोटल मिला के, ऐसा गवर्नमेंट का एस्टिमेशन है। गवर्नमेंट ने अपने खर्चे का एस्टिमेशन कैसा लगाया है, तो खर्चे भी दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कौन सा एक्सपेंडिचर है कि एक ऐसा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जहां से गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जहां से उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट अपने इम्प्लॉइज को, गवर्नमेंट इम्प्लॉइज को जो पेंशन प्रोवाइड करता है, जो सैलरी प्रोवाइड करता है, बराबर ना। ओके, तो ये गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट नहीं कर रहा है। उसके अलावा गवर्नमेंट का एक ऐसा खर्चा, लाइक गवर्नमेंट ने कोई स्टेट को ग्रांट दिया, तो ग्रांट के अंदर भी प्रिंसिपल प्रिंसिपल वापस आएगा लेकिन इंटरेस्ट वापस नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट का एक ऐसा खर्चा, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कोई जगह पे सब्सिडी प्रोवाइड करता है, तो जहाँ पे गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो एक ऐसा खर्चा कि जो गवर्नमेंट का बर्डन बढ़ा रहा है, सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा होता है कि एक ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट की एसेट को बढ़ाता है, गवर्नमेंट के एसेट को बढ़ाता है और लाइबिलिटी को कम करता है, एक ऐसे खर्चे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रेंड्स। लाइक गवर्नमेंट ने कोई रोड बनाया तो गवर्नमेंट का एक एसेट हो गया, गवर्नमेंट उसके माध्यम से टोल कलेक्शन कर सकता है, भविष्य में प्रॉफिट कमा सकता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कोई कॉरपोरेट बिल्डिंग बनाई, लाइक डायमंड बुट्स बनाया सूरत के अंदर, तो वहां से गवर्नमेंट को आगे पैसा बढ़ सकता है, बराबर ना। ओके राइट, तो गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा जो उसके एसेट को बढ़ा रहा है, उसकी लाइबिलिटी को कम कर रहा है, बराबर ना। ओके, ऐसे खर्चे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का जो बर्डन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है,
और 2024-25 में 37.1 लाख करोड़ की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लगाई गई है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर 2023-24 के कंपेरिजन में बढ़ेगा। देखो यहाँ पे उल्टा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका कम होना चाहिए, हालांकि वो बढ़ रहा है जो अच्छी बात नहीं है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए, वो पिछले साल के कंपेरिजन में तो बढ़ना एस्टिमेशन ज्यादा लगाया गया है, बराबर ना। ओके, तो अगर एक देश को अच्छे से डेवलप करना है, हमको डेवलप नेशन की तरफ आगे बढ़ना है, तो हमारा जो कैपिटल रिसीट है वो कम होना चाहिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए, बस सिंपल भाषा में अगर बात करें तो, बराबर ना। ओके राइट, तो अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो गवर्नमेंट ने कितना खर्चे का एक्सपेंडिशन लगाया है, 37 प्लस 15 मतलब अप्रोक्सीमेटली 52 लाख करोड़ का खर्चा का एस्टिमेशन लगाया गया है, और इनकम कितनी होने वाली है, 48 लाख करोड़ की। तो ये जो 4 लाख करोड़ का जो डेफिसिट आ रहा है, ये 4 लाख करोड़ की जो डेफिसिट, जो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस आ रहा है, तो ये 4 लाख करोड़ का जो डेफिसिट आता है उसके बोलते हैं फ्रेंड्स फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय खाद्य फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके राइट, ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज में इस रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस में समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि क्या, व्हाट इज अ रिसीप्ट, कितने टाइप के रिसिप्ट होते हैं, कितने टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फिस्कल डेफिसिट, बराबर ना। और अगर हम बात करें कि जो मेजर सेक्टर है, कि जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है इस साल के बजट के अंदर, एक्सपेंडिचर करने की बात की गई है, तो डिफेंस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा लोकेशन 4.54 लाख करोड़, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर 2.65 लाख करोड़, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी के अंदर 1.51 लाख करोड़, होम अफेयर्स को 1,50,000 करोड़, एजुकेशन सेक्टर में 1,25,000 करोड़, आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 1,16,000 करोड़, हेल्थ सेक्टर के अंदर 89,000 करोड़, एनर्जी सेक्टर के अंदर 68,000 करोड़ के आसपास, सोशल वेलफेयर के अंदर 56,000 करोड़, और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर 48,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे पैसा अलोकेट किया गया है। अगेन आपको याद रखना है सबसे ज्यादा पैसा कौन से सेक्टर को, कौन से मिनिस्ट्री को दिया गया फ्रेंड्स, डिफेंस मिनिस्ट्री को 4,54,000 करोड़ हमें रखना है, बराबर ना। ओके, और अगर मैं कुछ मेजर स्कीम्स के पीछे जहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया गया है इस साल के बजट के अंदर, तो मनरेगा अगेन 86,000 करोड़ रुपया अलोकेट किया गया है मनरेगा के पीछे, जो लास्ट ईयर के बजट में 60,000 करोड़ था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर 1,200 करोड़ रुपया अलोकेट किया गया है, लास्ट ईयर 8,840 करोड़ रुपीज था। और उसके अलावा न्यूक्लियर पावर के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया, 2,228 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है, बराबर। जो हमने देखा एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर कैसे न्यूक्लियर पावर के अंदर ज्यादा फोकस किया इस साल के बजट के अंदर, बराबर ना। एलपीजी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर भी इस साल 1,500 करोड़ का बजट एलोकेट किया है, लास्ट ईयर मात्र 180 करोड़ था। ओके राइट, तो ये कुछ मेजर स्कीम्स है जहाँ पे पैसा ज्यादा एलोकेट किया गया है, बराबर ना। ओके, ध्यान में रखना है। अगर मैं कुछ इकोनॉमिकल डेटा की बात करूं फ्रेंड्स, तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो हमारा डिफरेंस है, देखो हम इम्पोर्ट ज़्यादा करवाते हैं एक्सपोर्ट कम करवाते हैं, तो ये जो डेफिसिट होता है उसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। वो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा इम्प्रूव हुआ है, मतलब कम हुआ है, बराबर, बिकॉज हम ज्यादा आत्मनिर्भरता की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, बराबर ना। तो ये ग्राफ ऐसा दिखा रहा है कि यहाँ पे देखो करंट अकाउंट डेफिसिट कितना बढ़ गया था, तो धीरे धीरे कितना कम हो गया, अभी हालांकि थोड़ा सा बढ़ रहा है लेकिन फिर भी हम बेहतर कंडीशन में है। उसके अलावा इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो फाइनेंशियल 2024 के अंदर कितना हुआ है, 8.2% हुआ है, वो ध्यान में रखना है कि फाइनेंशियल 2024 के अंदर जो लास्ट ईयर कितना हुआ इंडिया का जीडीपी ग्रोथ, 8.2% हुआ है। उसके अलावा अगर मैं फिस्कल डेफिसिट की बात करूँ, तो फिस्कल डेफिसिट फाइनेंशियल 2024 के अंदर हमारा 5.6% हुआ है, 5.6% ऑफ जीडीपी हुआ है, ध्यान में रखना है डेटा को। जो अभी हमारा टारगेट रखा गया है 4.9% ऑफ जीडीपी तक का हमारा टारगेट रखा गया है, हालांकि गवर्नमेंट का टारगेट था 5.1% ऑफ जीडीपी तक इसको लाया जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बड़ा है 5.6%, और अभी नेक्स्ट ईयर का टारगेट कितना है हमारा, 4.9% ऑफ जीडीपी का टारगेट है। ओके, और इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं, इन्फ्लेशन हमारा 5.4% है, जो 2 से 6% के रेंज में जो हमारा इन्फ्लेशन का रेंज है उसके अंदर है, लेकिन हालांकि फिर भी अपर साइड है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, ध्यान में रखना है। ओके आई थिंक, और जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उसके जो एनपीएस है वो भी डिक्लाइन होते हुए आपको दिख रहे हैं, देखो ये पिरामिड कैसे डिक्लाइन हो रहा है, बराबर ना। तो अल्टीमेटली हमारा इकोनॉमी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, और ज्यादा फोकस करना है फिस्कल डेफिसिट के ऊपर, बड़ा फिस्कल डेफिसिट आपको भाई मैं बताया कि जो गवर्नमेंट का खर्चा और उसका जो इनकम है उसका जो डिफरेंस उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो ये जो गैप है, गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था 5.1% ऑफ जीडीपी का, लेकिन फिर भी 5.6% अचीव हो पाया, और अभी जो नेक्स्ट टारगेट है 4.9% ऑफ जीडीपी है। और इस साल हमने जीडीपी ग्रोथ कितना किया,
8.2% किया है, बराबर ना, वो ध्यान में रखना है। ओके ओके चल, तो आई थिंक फ्रेंड्स पूरे बजट के अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके चल, थैंक यू।